सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? गुड मॉर्निंग डैड, मॉर्निंग मॉम, मॉर्निंग मुना, मुना नाउ क्या है? रुको रुको, देख रहे हैं आप क्या हुआ? ये किसी भी तरह से लड़की नजर आती है? हाँ भाई, मुझे तो लड़की नजर आ रही है। हाँ, अगर तुम आजकल के जमाने की लड़की में 30 साल पहले की लड़की देखने की कोशिश करोगी तो निराश ही होना पड़ेगा। That's it, Dad. आपने बिल्कुल ठीक कहा। निर्मला, जमाने के साथ चलना और बदलना सीखो। एक बात कहूँ? बोलो। आपने अपनी बेटी को जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है। लो, बीच बीच में टोक भी दिया कीजिए। अब तुम तो टोकती रहती हो। और निर्मला, अच्छे खानदान का एक उसूल है, घर में एक आदमी टोकने वाला चाहिए तो दूसरा सर पर हाथ रखने वाला। बच्चे काबू में भी रहते हैं और मीठे भी बने रहते हैं। वाह वाह वाह, वेल सेड डैड, मेरे सर पे हाथ रखिए। चला। आपको पता है इसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो चुकी है, अब इसके लिए कोई लड़का वड़का देखिए ताकि इस जिम्मेदारी से भी हम मुक्त हो जाएं। हाँ, वो तो है। इस बारे में मैंने अपने कंपनी के मैनेजर गोपाल दास जी से बात की है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालकिन। बड़ी लंबी उम्र है आपकी, आपको याद किया और आप आ गए। मालकिन, किस सिलसिले में मुझे याद किया? मोना के लिए एक अच्छे लड़के की चिंता है हमें। मोना हमारे घर की इकलौती बेटी है, इस घर का चिराग है, उसी से तो इस घर में रोशनी। अब मोना ही चली गई तो इस घर में तो अंधेरा छा जाएगा, और मुझे मालूम है कि आप उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। आप कहते तो ठीक है, मगर मगर एक तरीका है, बेटी का ब्याह भी हो जाए और घर में खुशी का उजाला भी बरकरार रहे। वो कैसे? वैसे कोई ऐसा लड़का तलाश किया जाए जो शादी के बाद यही घर जमाई बन के रह जाए। हाँ, ख्याल तो इनका बुरा नहीं है, लेकिन कोई खुददार खानदानी अच्छा लड़का घर जमाई बनने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। आप एक दफे हुक्म तो कीजिए कि गोपाल दास एक अच्छा खानदानी इज्जतदार घर जमाई चाहिए, फिर देखिए मैं लड़कों की लाइन लगा दूंगा। गोपाल दास जी, सिर्फ हमारी पसंद से क्या होगा? आखिर लड़का पसंद करना है तो मोना को ही। मोना को? हाँ, इसलिए पहले मोना से पूछ ले तो बेहतर है, ऐसा न हो कि मोना ने पहले से ही कोई लड़का चुन लिया हो। डैडी। हाँ बेटे। मैं सिटी जा रही हूँ, शाम होने से पहले लौट आऊंगी। लेकिन ड्राइवर को साथ ले जाना, नहीं तुम बहुत रफ ड्राइविंग करती हो। ओके डैडी, बाय बाय। इसे कल देखता हूँ। जी अच्छा। हाँ। जाइए। बोलो बेटे, तुम शहर चले गए थे ना? जी हाँ डैडी, वहीं तो मुझे अनिल मिले। हाँ डैडी,
आज कॉलेज के ऑल इंडिया कराटे कॉम्पिटिशन का लास्ट डे था। अच्छा, फिर कैसा रहा कॉम्पिटिशन? ओह टेरिफिक डैडी, अनिल ने तो ऑल इंडिया कराटे चैंप को मार मार के चटाई की तरह चट्टा कर दिया। ओह आई एम सॉरी डैड। कॉम्पिटिशन के बाद ये घर जा रहे थे तो बोले जाने से पहले मैं आपके डैडी से मिलना चाहता हूँ, इसलिए मैं इन्हें आपसे मिलाने के लिए ले आई। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। अनिल बेटे चैंपियनशिप मुबारक। थैंक यू। अच्छा बेटे बैठो तुम। मोना बेटी नाश्ता वास्ता करा, चाय वाय पीकर जाओ, मैं जरा काम में हूँ। अच्छा जी नमस्ते। आप कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ तो मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। आइए। अरे आइए। अरे बैठिए। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिठा रही हूँ। और आज मैं तुमसे खास बात करना चाहती हूँ। अरे कौन सी खास बात? मैं जवान हो गई हूँ। अच्छा? ओ हाँ हाँ, आज के पेपर में आया था। तुम फिर मजाक करने लगे। अरे तुमसे किसने कह दिया कि तुम जवान हो गई हो? मुना, लड़की जवान होती है ना तो उसे अकल आती है, अकल आती है तो ला जाती है, और ला जाने के बाद कोई लड़की किसी गैर लड़के को इस तरह डाकू की तरह जबरदस्ती उठाकर नहीं लाती। तो क्या करती? मजबूरी थी, घर में मेरी शादी की बातें चल रही हैं। तो मुझे क्यों उठाकर लाई? मैं क्या तुम्हारी शादी में बैंड बजाऊंगा? तुम मेरी शादी में दूल्हा बनोगे। मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करना। शादी करना मजाक है क्या? होना, तुम एक करोड़पति बाप की एकलौती औलाद हो, सारी जिंदगी बंगलों में रही हो, जमीन पर कदम कम रखे, ज्यादातर गाड़ियों में घूमी हो, और मैं एक अनाथ, ना मां ना बाप, बचपन से मामा मामी के दर पर पड़ा हूं, रहने के लिए खुद की कोई छत भी नहीं है। बचपन से मामा मामी की रोटियां खाकर, प्राइवेट ट्यूशन देकर अपनी पढ़ाई खत्म की है। ऐसे इंसान के साथ अगर नाता जोड़ोगी तो जिंदगी भर पछताओगी। बिल्कुल नहीं पछताऊंगी। तुम शायद मेरे डैडी से डरते हो कि कहीं वो इनकार न कर दें, लेकिन वो अपनी बेटी की पसंद को ही अपनी पसंद समझते हैं। और जहां तक तुम्हारा सवाल है तो डैडी तुम्हें बेहद पसंद करते हैं, हर वक्त तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। जब कोई दौलत वाला किसी गरीब इंसान पर खुश होता है ना तो उसे नौकरी दे देता है, बख्शीश दे देता है, लेकिन उसके हाथ में अपनी बेटी का हाथ कभी नहीं देता। अनिल, क्या चोरी कर रहा? चोरी नहीं, मैं तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे थे? अरे पिछले एक घंटे से 10 पैसे ढूंढ रहा हूँ। अरे नहीं, कहीं क्यों गए? बेटा तुम आ गया? अरे मामी पीते रहो। कैसे हो प्रमा? अच्छी हूँ भैया। अरे अच्छी क्या, अच्छी तो मैं तुझे अब बनाऊंगा। ये देख, ये साड़ी तेरे लिए। मेरे लिए? तो क्या मेरे लिए? मम्मी कितनी अच्छी है ना। और मामी ये शॉल तुम्हारे लिए, ये देखो। मिल गया मिल गया, जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो। अरे रे रे रे। अरे मामा ये धोती आपके लिए। सिर्फ ये धोती? अरे भांजे, बरसों से तुम मुझ पर बोझ बने बैठे हो। ये 10-15 रुपए के कपड़े लाकर तुम उस माँ बेटी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। हाँ, ये बताओ कि तुम्हारी नौकरी वोकरी लगी कि नहीं लगी? अरे मामा जी, अभी तो शहर से वकालत की परीक्षा देकर आ रहा हूँ, जब तक पास नहीं हो जाऊंगा नौकरी कौन देगा? तो तू पास कब तक होगा? कल शाम तक हो जाएगा? कल शाम तक? अरे यूनिवर्सिटी का रिजल्ट है, कम से कम 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? अरे सुनती हो, 2 महीने बाद जाकर इसकी परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। हाँ, फिर जाकर इसे नौकरी मिलेगी, और फिर 1 महीना गुजर जाएगा, उसके बाद घर में पगार आएगी। इसका मतलब है 3 जमा 3 जमा 3, यानी के 90 दिन में, यानी के 3 महीने में 810 रोटियां खाएगा। उसके बाद सब्जी और भाजी अलग, 2 वक्त की चाय अलग। अरे मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा ना। ऐसी बातें करते हो जी, आपने कभी अनिल के लिए कुछ किया है? आपको तो इस बात की भी परवाह नहीं कि परिवार के लिए भी आपका कुछ कर्तव्य है। पत्नी गई झंडम में, लेकिन बेटी के लिए कम से कम एक बाप का कुछ फर्ज होता है। फर्ज वर्ज मुझे बन गया दिलाओ। हाँ, बेटी का ब्याह करवा दिया, यानी के फर्ज पूरा हो गया और किस्सा खत्म, बस। मगर क्या फायदा ऐसे ब्याह का जो ब्याह के बाद भी लड़की कुंवारी की कुंवारी घर में पड़ी रहे।
यहाँ से उठकर उसकी डोली ससुराल गई नहीं क्योंकि आपने उनकी मांगे पूरी नहीं की। अरे क्यों कह रहे उनकी मांगे पूरी, डेढ़ दो रुपए की बात होती तो दिल पर पत्थर रखकर उनकी मांगे पूरी भी कर देता, लेकिन उनके भक्तों ने तो गज भर की साथ में समा दी थी, याद है? पुलिस पढ़कर एक हफ्ता भर में बेहोश आ गया। आप तो हफ्ता भर बेहोश पड़े रहे लेकिन लड़की जिंदगी भर मैके में पड़ी रहेगी। हाँ तो पड़ी रहे, इस जन्म में क्या अगले जन्म तक पड़ी रहे, लेकिन मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ए पगली, ए मेरी पगली बहन, तू क्यों रोती है? हाँ तेरा भाई है ना, देखना एक हफ्ते के अंदर मेरे बुद्धू जीजाजी यानी कि तेरे पति परमेश्वर को यहाँ लाकर प्रकट नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल देना। नहीं भैया वो नहीं आएंगे, पिताजी उन्हें दहेज देंगे नहीं और बिना दहेज लिए ससुराल वाले मुझे लेने आएंगे ही नहीं। अरे छोड़ना, एक हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ का माहौल नहीं बदल दिया ना तो तेरी कसम मैं अपनी जान दे दूंगा। भैया ऐसा मत कहो। फिर चल अपनी बत्ती सी दिखा। चीनी के आपको पता है बिटिया रानी शहर से अनिल को गाड़ी में बिठाकर यहाँ ले आई। अच्छा हा? लेकिन मैं कहाँ थी? आपको तो दोपहर में खाना खा के सोने की आदत है, आप दुश्मनों से बेखबर सो रही थी। और मुना के पिताजी? रोना तो इसी बात का है मालकिन कि सब कुछ उन्हीं की मौजूदगी में यही हो रहा था। यही हे भगवान। देखिए मुझे तो लगता है तूने उन्हीं मालिक को अपनी ओर खींच लिया है। वो दिन दूर नहीं मालकिन जब ये अनिल आप और आपकी बेटी को दूध में डुबकियां लगाते हुए मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा और इस सारे जायदाद का मालिक बन बैठेगा। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे जीते जी तो नहीं हो सकता। लेकिन आपके जीते जी ये सब हो रहा है मालकिन। क्या छोड़िए सब बात, आप अपने बेटे की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? मेरा बेटा? हाँ। क्या बताऊं मालकिन, मेरा बेटा घर जवाई बनने के लिए इतनी आसानी से तो तैयार नहीं होगा क्योंकि वो अनिल की तरह उठाएगी चोर उचक्का नहीं है। अब क्या बताऊं, वो एक इज्जतदार ईमानदार खुददार मतलब दुनिया में जितने भी तरह के दार हैं उन सब दारों का मालिक है। तो फिर उसे यहाँ बुलवाइए ना। यहाँ? हाँ। लेकिन मालकिन उसे यहाँ बुलाने के लिए मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। तो गोपाल दास जी इसमें परेशानी क्या है, जाइए उसे ले आइए। और महादेव का? महादेव का हुआ ये, उसके घर के सारे बर्तन उठा के ले आया हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत मामा जी। ये जी तुम यही बैठो, मैं चाय से निपट लेता हूँ। ससुर जी पाए लागी। ससुर जी ठीक है। अरे अरे क्या ससुर जी, दामाद इतने वर्षों के बाद घर आया है, उसको देखकर खुश होने के बजाय उजड़ी हुई राशन की दुकान की तरह मुंह बना रहे हो। अरे मैं दो दिन का मेहमान हूँ फिर चला जाऊंगा। अच्छा तो सिर्फ दो दिन क्या? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। वैसे भी मेहमान को किसी के यहाँ एक दो दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। दो दिन से ज्यादा रुक भी कैसे सकता है, चार दिन की जिंदगी मिली है, दो दिन मैंने माँ बाप के घर में गुजार दिए, बाकी के दो दिन मैं आपके घर में गुजारने आया हूँ। तुम्हारा मतलब उस दो दिन से था, असली दो दिन से नहीं था? वही वाले दो दिन तो असली दिन होते हैं, बाकी गिनती वाले जो दिन होते हैं ना वो नकली होते हैं। ये मैं खा लेता हूँ। अरे प्लेट ना, ये लो। अरे सारे खा गए। अरे जवाईदा, अरे आप पायला की माजी भाग हमारे कि आज 5 वर्षों के बाद आप हमारी बेटी को घर ले जा रहे आए हैं। हाँ मगर पिताजी ने कहा था कि साथ में ससुर जी को ये दहेज की लिस्ट भी याद दिला देना। क्या? अरे वो लालची बुड्ढा अभी तक दहेज को नहीं भूला। मैं पूछता हूँ मरकर क्या वो दहेज को अपने साथ ले जाएगा? अब मैं क्या करूँ माजी, मैं तो इन बुड्ढों को समझाता हूँ कि आए बुड्ढो दौलत की लालच छोड़ दो, मर के साथ नहीं ले जा सकते, मगर ये बुड्ढे मानते ही नहीं। है तो अपने बुड्ढे से जाकर कह दे कि अब उसे इस घर से एक ढेला भी दहेज नहीं मिलने वाला है। अरे जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, और वैसे भी आजकल दहेज लेना और दहेज देना कानूनी जुर्म हो गया है, और एक सच्चा हिंदुस्तानी जान दे सकता है लेकिन दहेज नहीं दे सकता। चलो जान दे दो। चुप। आपने खाना पीना क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इतने वर्षों बाद जवाईदा घर आए हैं, जरा उन्हें आराम करने दीजिए, जलपान करने दीजिए, आते ही दहेज की महाभारत शुरू कर। जितनी बेटी को ले जाने के लिए थोड़े आया, ये तो आपने बुढ़े बाप के लिए दहेज मांगने आया है, लेकिन मैं भी दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अबे हो उल्लू की औलाद, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं सुन रहा हूँ।
आप बोलते हैं कि मैं दहेज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हाँ। उधर मेरा बाप बोलता है कि मैं बिना दहेज के बहू को घर में घुसने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। दोनों तरफ नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा का बैंड बज रहा है। तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि जब तक आप लोगों का फैसला नहीं हो जाता, मैं भी आपके घर से नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। अरे हाँ अनिल, वो अपनी छोटी छोटी गुड़िया, तुम्हारी बहन सुमन, वो कहाँ है? मैं भी कितना गधा हूँ, इतनी सी बता रहा हूँ, अभी इतनी बड़ी हो गई होगी, शादी हो गई होगी, ससुराल चली होगी, है ना? हाँ वो। तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? सुमन कहाँ है? जगह जी सुमन, सुमन इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये क्या हुआ, क्या था सुमन को? कुछ भी नहीं, मैं यहां से इम्तियाज ने शहर चला गया था। एक दिन वो नदी में नहाने गई और फिर कभी वापस लौट कर नहीं आई। नदी किनारे सिर्फ उसकी चप्पल और ओढ़नी मिली थी। अब सुमन सिर्फ एक याद बनकर रह गई। मैं गोपाल दास जी के लड़के की बात कर रही थी। देखो निर्मला, तुमने अगर बुला ही लिया है तो उसे हम अपने ऑफिस में कोई नौकरी वोकरी दे देंगे। अरे मैंने उसे नौकरी करने के लिए नहीं बुलाया है। तो फिर हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश है ना, इसी सिलसिले में मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, I see. इसीलिए गोपाल दास जी उस दिन वो जो घर जमाई का चक्कर चला रहे थे वो उनके बेटे के लिए था, इस बहाने वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे। इसमें उल्लू सीधा करने की कौन सी बात आई? अरे हमें मोना के लिए एक अच्छे लड़के की जरूरत तो है ही ना। जरूरत थी लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि मोना ने अपनी पसंद का लड़का तलाश कर लिया है। क्या तुम उस कंगाल भिखारी अनिल की बात तो नहीं कर रहे हो? मम्मी चुप रह तू, मुझे पहले से ही पता था अनिल एक 420 इंसान है। वो मोना से शादी करके हमारी जमीन जायदाद हड़पना चाहता है। नहीं, वो मुझसे शादी करना नहीं चाहता, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। देखो निर्मला, अनिल के बारे में तुम्हारी कुछ गलतफहमी हो रही है। वो एक अच्छा, नेक और शरीफ लड़का है। हाँ वो गरीब और अनाथ जरूर है, लेकिन ये कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अनिल इस घर में दामाद बनकर नहीं आएगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। निर्मला, अरे मोना, तू क्यों मायूस होती है? मोना देख बेटी, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तू क्यों चिंता करती है? देख मैं तुझे वादा करता हूँ कि तेरी शादी सिर्फ अनिल और अनिल के साथ ही होगी, ठीक है? सच डैडी? हाँ सच।
दामन नाजुक सी तुम कली हो, दौलत में तुम हो खेली, महलों में तुम पले हो। हिसाब का कागज निकालूं? हाँ निकालो। इतना छोटा सा कागज है। 400। ये क्या? हिसाब का कागज है। हिसाब का कागज? इतना लंबा? हाँ तो जिनके हिसाब वसूल करने गया था उनकी जिंदगी की कहानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग दोनों के साथ में लेके लाया हूँ। मुझे डायलॉग वालक नहीं, हिसाब चाहिए, हिसाब। अच्छा लिखो, सुंदरलाल 800 रुपए। आगे शंकरलाल 150 रुपए। अरे आगे हिसाब तो लिखो पहले। अरे और कहे का आगे का हिसाब, इतनी गुरानी करनी थी। बताता हूँ, पहले कालीन तो सीधा करो मेरा, आज तो फट जाएगा। आखिर में आते वक्त वो श्रीराम भी तो मिल गया था ना? वो भी मिला, मगर उसके बेटे को देखे मैं थोड़ा सा पिघल गया था। वो क्या है, बहुत सख्त बीमार था, ऐसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो। वो घर का इकलौता चिराग है, मैंने उस चिराग को बुद्धि से बचा लिया। क्या मतलब? मतलब उस बच्चे के इलाज पे 949.80 रुपए खर्च हो गए, बाकी के पैसे 20 पैसे बचे, वो ये रहे। काम है नालायक, हरामखोर, उल्लू के पक्के, मेरे 950 रुपए के नुकसान कर दिया और 20 पैसे मुझे हाथ में तुम्हारा। मैं लकड़ी कहाँ है? मैं लकड़ी कहाँ है? मैं जिंदा नहीं करूँगा। अरे सोने दीजिए ना उसे। नहीं, हमारे यहाँ ससुराल में दामाद का बेटी के साथ सोने का रिवाज नहीं है। तो फिर किसके साथ सोने का रिवाज है? ससुर के साथ सोने का। हट, मैं ची हट। अबे चलो, अभी मैं कहता चलो। मेरी नींद आ रही। अबे उठता है कि नहीं उठता? मैं सो चुका हूँ। अबे उठ, मैं कहता हूँ। अरे उठता हूँ क्या, कचरा उठा के बाहर फेंक रहे हो क्या? चल। एक मिनट ये मंगल सूत्र जाने दो। चल। क्या आदमी है? माँ। अरे पहलवान है क्या? आज के बाद तू यहाँ सोएगा। और आप? मैं भी यहाँ तेरे साथ।
जी आपके मुंह से बदबू आती है। कोई बात नहीं, तो फिक्र मत कर, मैं मुंह में फ्लेट मार लूंगा, घासला छिड़क लूंगा। चले कौन है दुर्ग प्रसाद जी? दुर्ग का भंडार हमारे घर में। पधारिए पधारिए पधारिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जेठ जी आपने खुद क्यों कष्ट किया? मुझे हुक्म किया होता तो मैं भागा भागा आपके पास चला आता और जूतों की तरह आपके पांव से लिपट जाता। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे नहीं जेठ जी, मैं सच कहता हूँ, मैं दौलत को देवी समझता हूँ और दौलत वालों को देवता। ये तो आपका अपना ख्याल है, लेकिन इस वक्त गर्ज मेरी है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। हुक्म तो कीजिए सेठ जी, क्या सेवा करूं आपकी? आपका भांजा अनिल, उसके बारे में आपके साथ बात करने आया हूं। अनिल के बारे में? हाँ। क्यों, क्या क्या उसका मकसद है? उसने हमारी बेटी का दिल चुरा लिया है। ऐसा? उसने चोरी का धंधा शुरू कर दिया? मैं अभी जाकर दिल लेकर वापस आता हूँ। नहीं नहीं, आप बात को समझे नहीं साधुराम जी। दरअसल मेरी इकलौती बेटी मोना के लिए मैं अनिल का रिश्ता मांगने आया हूँ। जी ऐसा, यानी कि आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरे भांजे के साथ करना चाहते हैं? ये कैसे हो सकता है सेठ जी? अनिल एक नेक, ईमानदार, शरीफ और पढ़ा लिखा लड़का है, और इसीलिए हमने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया है। सेठ जी मैं बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और या क्या करूँ। आप बैठे क्यों हैं? खड़े हो जाइए। मेरा मतलब है कि आप खड़े क्यों हैं? बैठ जाइए ना, मैं अभी आता हूँ। लेकिन बात तो सुन लीजिए। हाँ जी जी फरमाइए। शादी के बाद हमारी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि अनिल को हमारे साथ रहना पड़ेगा। मतलब कि अनिल को आप अपना घर जमाई बनाना चाहते हैं? बस यूं ही समझ लीजिए। सेठ जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानिएगा? नहीं नहीं कहिए। इस फैसले के लिए मुझे अपनी घरवाली से जरा राय लेनी पड़ेगी। नहीं नहीं जरूर लीजिए। हाँ बैठिए ना। हाँ जी सुनती हो, सुनती हो, आज ही सुनती हो। यहाँ तो कोई नहीं है, चलो अच्छा होगा, खुद ही नाटक करके सारा पैसा सेठ से वसूल कर लेता हूँ। अरे सुनती हो, इस शहर के सबसे बड़े रही सेठ द्वारका प्रसाद जी अपने बेटे अनिल का रिश्ता मांगने आए हैं। हाँ, मुझे अपने घर के भाई बनाना चाहते हैं। अरे तुम्हारी अक्कल पर पत्थर पड़ गया क्या? हमने अनिल को अपना भांजा नहीं, अपना पेट समझकर पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा किया है, और जब दो पैसा कमाने की बारी आई है तो किसी अमीर के घर उसको घर जमाई बना रहे हो। अरे भगवान, तुम समझती क्यों नहीं हो, वहाँ अपना बेटा सुखी रहेगा। अरे वो वहाँ सुखी रहेगा तो हम क्या दुखी रहेंगे? सारी जिंदगी मेहनत हमने की और वो फायदा कोई और उठाएगा? एड़ी और रगड़ रगड़ के बुढ़ापे में मरेंगे और वो किसी और का सहारा बनेगा। जाओ जाओ कर, इनकार कर जाओ। अरे इनकार करना उनका अपमान करने के बराबर होगा। अरे तो क्या उनके अपमान के लिए मैं अपनी जिंदगी तमाम कर दूँ? मैं अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, अठन्नी तक वसूल कर डालूंगी। तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अरे क्या कर, तुम मार डालोगे क्या? अरे तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ती जा रही हो। अरे क्या बात करते हो, माफ करना। आज जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है और तुम कहते हो तो ज्यादा बढ़ती जा रही हूँ। मेरा घर भर जाने दो, मेरी पुट्ठी गर्म हो जाने दो, उसके बाद मेरे बच्चे को जाना है तो चले जाने दो। और पैसे किधर? और पैसे किधर? नहीं बाद में लूंगा। जाओ जाकर हाँ कर दो, मैं राजी हूँ। जाओ सेठ जी, मैंने अपनी घरवाली को राजी कर लिया है। बहुत अच्छे, बस अब यूं समझिए कि रिश्ता तय हुआ ही हुआ। साधुराम जी, मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन ली है, ये 1,00,000 रुपए का चेक है। क्या हुआ साधुराम जी, क्या हुआ? जी 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस बेटा बेटा दिल दिल और घर से जुदा हो रहा है ना, उसी काम में बस चक्कर आ गया। अरे जी अनिल बेटा भी आ गया। नमस्ते। अरे नमस्ते से काम नहीं चलेगा बेटा, सेठ जी के पांव छूकर इनका आशीर्वाद लो। ये अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और हमने उसे मंजूर कर लिया है। चलो पांव छुओ। नहीं बेटे, जीते रहो जीते रहो। साधुराम जी मैं चलता हूँ। नमस्ते। हाँ बेटा, सेठ जी को बाहर छोड़ कर आओ। बेटे बैठो तुम, मैं चला जाऊंगा।
ये सेठ द्वारका प्रसाद जी यहाँ क्यों आए थे? मैं बताता हूँ ना, वो अपनी बेटी मोना के लिए दामाद खरीदने आए थे। क्या? और इनको खरीद के चले गए। हाँ, ससुर जी ने 1,00,000 रुपए में तुम्हें भेज दिया है। तुम इनके घर में घर जमाई बन के रहोगे मेरी तरह। मुबारक हो। जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो, जय हो। बताओ ये ना कौन सी खुशखबरी है? मैं तुम्हारा रिश्ता अनिल के साथ पक्का करके आया हूँ। क्या? ये रहा आपका चेक। या ये 1,00,000 रुपए का चेक मुझे खरीदने के लिए जो मामा जी को देकर आए थे वो लौटाने आया हूँ। मैं गरीब जरूर हूँ सर जी, मगर बिकाऊ नहीं हूँ। घर जमाई बनकर मेरी खुददारी को नीलाम करने वालों में से नहीं हूँ। नहीं नहीं बेटे, तुम शायद मुझे गलत समझ। मुझे गलत समझ बैठे। आपने शायद ये सोच लिया कि मैं दौलत की वजह से मोना से शादी कर रहा हूँ। लेकिन बेटे, डैडी अनिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपना चेक वापस ले लीजिए। अगर इन्हें यहाँ रहना मंजूर नहीं है तो मुझे ब्याह कर इनके साथ विदा कर दीजिए। ये मुझे जहाँ भी ले जाएंगे, जैसे भी रखेंगे, मैं उसी को अपना स्वर्ग समझूंगी। नहीं मोना, ये भी नामुमकिन है। आश्रम में पली हुई एक रईस इंसान की बेटी को अपने घर ले जाकर दुख और तकलीफ के कांटों में नहीं घर सटूंगा। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ मोना। इसका मतलब है कि तुम मुझसे ब्याह ही नहीं करना चाहते। और अगर नहीं करना चाहते तो मेरे साथ प्यार का ढोंग करने की क्या जरूरत थी? शायद ये मेरी नादानी थी, क्योंकि असलियत के आईने में मैंने अपनी औकात की शक्ल नहीं देखी थी। शब्दों का सहारा लेकर इनकार करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अनिल, अगर मेरी शादी जिंदगी में होनी है तो सिर्फ तुमसे होगी, वरना ये मांग जिंदगी भर सुनी रहेगी, क्योंकि किसी दूसरे का हाथ इस मांग को कभी नहीं छू सकता, कभी नहीं। सजीव, 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 बोली, मैं इसमें। लीजिए। क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं। इससे पहले दो बार दिल के दौरे पड़ चुके हैं। सजीव, अगर मेरे कारण आपको तकलीफ पहुंची है तो क्षमा मांगता हूं। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर कसूर है तो मेरी किस्मत का है कि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया। बेटे, मैं दिखने में ऐसा हूं लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खोखला हो चुका हूं। मेरा करोड़ों का कारोबार है, कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि मेरे अपने ही लोग मुझे धोखा देकर मुझे नोच नोच कर खाते जा रहे हैं, जानता हूं। और इस बीमारी की वजह से इन सारी जिम्मेदारियों को संभालने की अब मुझमें ताकत नहीं है बेटे। जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा कि तुम्हारी शक्ल में भगवान ने मेरे पास मेरा बेटा ही भिजवाया है, मेरा हर दुख को मिटाने वाला, मेरे सारे कारोबार को संभालने वाला। मगर बेटे, अगर ये मेरी दौलत तुम्हारे और मोना के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ी है तो मैं मेरी ये सारी दौलत दान देकर उस दीवार को गिरा दूंगा। सर जी, मैं जानता हूं बेटे, घर जमाने बहुत गिरा हुआ शब्द है, लेकिन मैं तुम्हें घर जमाई के रूप में नहीं, मेरे बेटे के रूप में इस घर में लाना चाहता हूं। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। आज आपने मुझे खरीद लिया, इतनी इज्जत, इतना प्यार, इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया।
आपके इस प्यार के लिए आपका यह बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। आज मेरे घर पर मंडराते हुए जो दुख और चिंता के बादल थे वो बिखर गए। ये चेक लेकर जाओ। लेकिन ये सिर्फ मेरी इच्छा ही नहीं, मेरी आज्ञा है। मरवा दिया इसका भगवान ने मुझे, मरवा दिया साले। मामा जी दरवाजा खोलिए। नहीं खोलूंगा। मेरी बात तो सुनिए। पहले ये बता कि चेक लाया कि नहीं लाया। चेक ही लेकर आया हूँ। जय हो, जय हो लक्ष्मी, जय हो, जय हो, जय हो। क्या ये दहेज की लिस्ट? अच्छा, 100,000 रुपए का चेक देखा तो दहेज की लिस्ट याद आई। अभी देता हूँ। ये क्या? जेरॉक्स कॉपी। अच्छा, अभी देता, अभी देता। ये क्या? जेरॉक्स। और कितने हैं? अंदर कमरे में इतने सारे भरे हुए हैं। उन सबके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो अंदर इतने बड़े बड़े तांबे के पतीले थे ना आपके कमरे में, वो मैंने सब बेच डाले। ये कौन है? मालकिन, मैंने आपसे अपने बेटे के बारे में जिक्र किया था ना, ये वही है रमेश। अच्छा अच्छा, बेटा जीते रहा। बड़ा खुददार और नेक लड़का है मालकिन। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे शादी के लिए, मेरा मतलब है आपकी सेवा में रहने के लिए राजी किया है। अब देखिए माँ जी, अगर आप मुझसे दिन रात सेवा करवाएंगी तभी मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ, वरना घर जमाई बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का पपलू, अब मेरा मतलब है खाने का पपलू, मेरे स्वभाव में नहीं है। इट्स नॉट माय हैबिट, आई एम अ वेरी। गोपाल दास जी, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके हीरे जैसा लड़का मेरी मोना की किस्मत में नहीं है। लेकिन क्यों, क्या बात हो गई? बाप बेटी दोनों एक हो गए हैं। उन्होंने मोना की शादी उस भिखारी अनिल से तय कर दी है। इतवार को तो शादी भी है। गोपाल दास जी, मैंने जो आपको तकलीफ दी है उसके लिए क्षमा करें। क्यों बाबू, बड़ा पपलू फिट करने चले थे? मुझे घर जमाई बनाने चले थे? बन गया ना मैं करोड़पति? निराश क्यों होता है? मैं भी चुप बैठने वाला जानवर नहीं। कमाल है, इतना खूबसूरत नौजवान बेटा है मेरा, इसे क्या मैं मुफ्त में जाने दूंगा? कम से कम लाखों में बेचूंगा, लाखों में। देख लेना, इस घर की चार दीवारी में जहरीले पंजों के वो जाल बिछाऊंगा कि तू इस घर का दामाद बन के रहेगा और मैं इस घर का मालिक। वाह बापू हो तो ऐसा। अच्छा बापू, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है तू? उस भिखारिन के पास? अरे वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वहाँ के तो कर्जदारों को मुझे 60,000-70,000 रुपए चुकाना है। अगर आप देते तो मैं वहाँ का पपलू फिट कर दूंगा। मेरे पास नहीं है, नहीं है। तो ठीक है, तो और के पपलू फिट करता हूँ, वो बाप ढूंढता हूँ जिसके पास ये हो। देख देख देख, तू कहीं भी जा लेकिन टेलीफोन से कनेक्शन बनाए रखना, मैं तेरा यहाँ पपलू फिट करता हूँ। अरे वाह, पहले तो खुले मुंह मवालियों की तरह रास्ते पर मुझे धक्के मारकर चलती थी, और आज जब हम दोनों विवाह के बंधन में बन गए तो डेढ़ गज लंबे घूंघट में अपना चेहरा छिपा लिया। ए हटाओ ना, मुझे शर्म आती है। आए? शर्म और तुम? अरे हटाओ यार, क्या करते हो इडियट। मजा आ गया असलियत आ गई ना। देखो क्या बात है, इस हिंदुस्तानी शादी में एक ही प्रॉब्लम है, बड़ी लंबी होती है। इंसान स्वागत के तसव्वुर में रह जाता है और स्वागत खत्म हो जाती है। इस गरीब दिल का हाल सुन लो ना, इस कंगाल पर थोड़ा सा रहम खाओ। ऐसी बात दोबारा कभी नहीं करना। गरीब और कंगाल तो मैं थी, मगर तुमसे शादी करके आज दुनिया की सबसे रईस लड़की बन गई हूँ। सच? तो उसमें से थोड़ी सी दौलत इस प्यासे के होठों के बटवे में टपका दो ना। रास्कल, मजा आ गया। भगवान के नाम पर, ऊपर वाले के नाम पर। नहीं नहीं। और प्यारे रुक जाओ। आ रहा हूँ। मैं जागूं तू सो। अरे अभी तक तूने कपड़े नहीं बदले क्या? नहीं, क्या है कि मैं
सपने में अक्सर रातों को घूमने चला जाता हूँ, तो आज सोचा यही पहन के चला जाऊँ सपने में। रहता पी तो लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। रात को उठकर देखता रहता हूँ तू सो रहा है कि नहीं सो रहा। मैं भी देखता रहता हूँ कि आप मेरी तरफ देखते रहते हैं। पिया का घर है ये रानी। अरे क्या करें, जाइए जाइए पिताजी आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं आने वाले, मैंने उनकी दूध में है ना घोड़ों को सुलाने वाली गोली मिला दी है। अब वो रात भर खराटे मार मार के मोहल्ले को बर्बाद करते रहेंगे और उन दोनों जिंदगी पहली मरतबा आबाद होंगे। अनिल इनसे मिलो, आप हैं मिस्टर गोपाल दास जी हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर, और आप हैं मिस्टर लखपतिया हेड कैशियर ऑफ द कंपनी। दोनों हमारी कंपनी के बहुत पुराने मेंबर्स हैं। गोपाल दास जी, आज से मैंने मेरी सारी जिम्मेदारियां अनिल को सौंप दी है। आज के बाद आपको जो भी सलाह करनी है मशवरा करना है अनिल से कीजिए, ठीक है जी। इसके बाद कभी भी किसी भी काम के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है जी। ओके चलो अनिल, मैं तुम्हें अपनी फैक्ट्री दिखा दूं। चलो लगता है आज से अपनी पनवती शुरू हो गई। सेठ की सेठानी जिसके मुट्ठी में बंद हो उसका यह मामूली सा घर जमाई क्या करेगा ना? सत्यानाश हो, अब ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, मटके में से पानी छलक रहा है। अरे तो अंदर ले जाओ ना। कैसे जाए, मटका ऊपर अटक रहा है, तेरा हाथ लगा के मटका उतार देने तो। क्या चक्कर है बदमाश कहीं का, तेरी तो अरे अरे मेरा हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है। तो नीचे का मटका निकाल ले। हाँ ये भी ठीक है, अरे नीचे का निकालूंगा तो ऊपर कैसे जाएगा। तो क्या मैं रावण के सरों की तरह सारी जिंदगी मटका लेके घूमता रहूंगा क्या? बकवास बंद कर, चल बैठ जा, उतारता हूँ मैं। नीचे बैठूंगा तो मटका तुम्हारे मुंह पे गिर के खराब हो जाएगा। ठीक है तू जमा, मैं स्टूल लेकर आता हूँ। कौन सा स्टूल? वो जो शमशान से चुरा के लाए थे वो। अरे कमबख्त आला, इतनी जोर से क्यों चीखा तू? अरे ये देखो मेरे अंगूठे का खिंचड़ा बना दिया, अंगूठे पे स्टूल रख दिया, मैं स्टूल पे खुद खड़े हो गए। इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, तुम्हारी सड़ी हुई जूती अगर कोने में रखी हो उस पर वहां कोई खड़ा हो जाए तो तुम इधर चिल्लाते हो, मेरे अंगूठे पे तुम डायरेक्ट खड़े हो गए। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, थोड़ा फूंक तो मारो। अबे नाशपिटे, सुबह सुबह मेरे 20 रुपए का नुकसान करा दिया। कमाल है जी, जवाहिरत का अंगूठा घायल हो गया और तुम अपने सड़े हुए घड़ों का रोना रो रहे हो। देखो माँ जी, अगर मैं ये मटके यहाँ गिराने के बजाय इनके मुंह पे गिराता तो इनका टकला फूट के यहाँ पड़ा होता, इनाम देने के बजाय उल्टा गाली देते इतनी जोर से। देखो जी, तुम दामाद से नौकरों जैसा काम कराते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी इसे यहाँ बिठा बिठा कर सारा दिन मुफ्त की रोटियां नहीं खिला सकता। रोटी कौन खाता है, मैं तो चावल खाता हूँ। चुप है तू, अंदर जा, और अंदर जा। कान खोल कर सुन ले, अगर तुझे घर के भाई बनकर रहना है ना तो तुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तीन मरतबा करना पड़ेगा। अनिल बाबू भी तो घर जमाई बने में, उनके ससुर कितना इज्जत देते, अपनी गद्दी पे बैठाते, आप गद्दी बैठाना एकदम गधा बना के मेरे से काम कराते हैं। अरे तो वो भी तो गधे की तरह उससे सारा सारा दिन ऑफिस में काम देते हैं। हाँ मगर किसी कुएं से मटके में पानी भर के लाने को तो नहीं कहते, झाड़ू लगाने को तो नहीं कहते हो। हाँ तो ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसा काम दूंगा कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बेटे आज से तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर सारा दिन मेरी गाय भैंसों को चराते रहो, चराते रहो, चराते रहो। बताओ गधे से छूटे तो भैंस में अटके। नमस्ते भाभी। नमस्ते। अरे आप लोग आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? आपसे और भैया से मिलने को जी चाह तो चले। बहुत अच्छा किया, आइए ना। लेकिन ऐसे लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ उनके साथ घूमने बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप लोग आए हैं तो जाना क्या? अरे नहीं नहीं, आपको तो जाना चाहिए। नहीं नहीं, आप इतनी दूर से आए हैं, आइए ना। हम लोग की परवाह मत करो, हम लोग भी आज बड़ी मुश्किल से घूमने निकले हैं। मुश्किल से?
किसका बाप कैसा तुमको तो पता है ना, तो उन्होंने सोचा कि खड़े खड़े मिलेंगे और चले जाएंगे। ऐसे कैसे जाएंगे, अब तो उनसे मिलकर ही जाना। आइए ना दीदी, बैठिए। बैठ जाना, बैठिए ना, बैठिए। अच्छा बैठ, आप लोग बैठिए, मैं नाश्ता लेकर। अच्छा, बर्फी। ओ बर्फी। आई मैम साहब, सुन हमारे रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए नाश्ता लेकर आना। मैं चाय बना कर लाती हूं। कौन आया है रेमोना? मम्मी, अनिल की बहन और बहनों ही आए हैं। ऐसे छोटे और गिरे हुए लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने लगोगी ना, तो हिंदुस्तान की आधी आबादी इस घर में होगी। आहिस्ता मम्मी, कहीं वो लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। ऐसे भीखमंगों के दिल पर कुछ बीतती उतती नहीं है, समझी। ऐसे लोग जब किसी पैसे वाले के घर आते हैं तो कुछ मांग नहीं आते हैं। सुनो, 10-20 रुपए दे के चलता करो इन्हें। ऐसे लोगों को आइंदा घर पे नहीं बुलाना, समझी। किसी अमीर के घर कोई गरीब रिश्तेदार जाता है तो भिखारी समझा जाता है। मना किया था ना तुमको और आना यहाँ पर? नाश्ता तैयार है बर्फी? जी मैम साहब, चाय भी रख दी है। वो मैं लेकर आती हूँ, तू जा। अरे कहाँ गए? बर्फी? जी मैम साहब, कहाँ गए वो लोग? मालूम नहीं मैम साहब, जब मैं आए तो कोई भी नहीं था। ओह, चले गए। चले गए? कौन कहाँ चले गए? तुम्हारे बहन और प्यारे भाई आए थे। और मुझे मिलेगा क्या? चले गए वो, माँ ने उनके खिलाफ मुझसे कुछ उल्टी सीधी बातें कही, शायद उन्होंने वो सुन ली इसलिए चले गए। अरे छोड़ ना यार, तू भी जरा सी बात के लिए इतनी दूर से माफी मांगने चला आया। ये जरा सी बात नहीं है, पहली बार मेरी बहन और जीजा जी घर आए और उनका अपमान हुआ, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चलता है यार, गरीब आदमी जब से दुनिया में पैदा हुआ तब से अमीर आदमी की आंख में बबूल के कांटे की तरह चुभता ही रहता है। लेकिन मोना ऐसी नहीं है, बाबूजी ऐसे नहीं है। हाँ भैया, मोना भाभी का कोई कसूर नहीं, उन्होंने तो हमारा स्वागत बड़े मान सम्मान से किया। ये पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, एक आध उंगली छोटी भी होती है। हाँ। इसी तरह किसी का दिल भी छोटा होता है। अब तो छोड़ा यार, वही बात करता रहेगा क्या तू? अरे अरे बेटा, अरे सुनती हो, बाहर आकर देखो कौन आया है। बड़े घर का दामाद गरीबों की कुटिया में आया है। गरीब की नहीं, कंजूस की कुटिया में। बेटा कुछ लाए हो? हाँ मुझे लाए ना। चुप। मैं अच्छा नहीं? चुप। अरे अनिल बेटा, कैसे हो? बहू कैसी है? सब ठीक ठाक है, आपका आशीर्वाद। जीते रहो। कल मेरे ऑफिस आ जाना। मैं? हाँ। क्यों? कुछ जरूरी काम है, भूलना नहीं। चल। अच्छा मम्मी। बेटा कुछ जलपान करके तो जाओ, ऐसे कैसे जा रहे हो? आज बहुत देर हो गई, फिर कभी। अच्छा जलपान करके जा। ये खुद नहीं करते दूसरों कहाँ से करेंगे, है कि नहीं? आज इस घर में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। आर को न जमीन निकल गई, ना आसमान खा गया। आर यही पड़ा था, तुम सब के सब यही थे। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम लोगों में से किसी ने चोरी की है। अरे गोपाल दास जी, क्यों बेचारे गरीबों को डांट डपट कर रहे हैं? ये घर के बहुत पुराने नौकर हैं, ऐसी हरकत नहीं कर सकते। नहीं मालकिन, अब कोई बाहर से तो आया नहीं कि हार उठा के लेके चला गया। अरे हाँ आए तो थे। कौन? अरे वही मोना के ससुराल वाले। मम्मी चुप रह तू, चोर उचके हैं वही उठा कर ले गए होंगे। निर्मला, तुम मुंह में आता है मत देती हो। मोना के ससुराल वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनके बारे में ऐसी बात हरगिज नहीं करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, तो मैं नहीं चोरी की है। बुलाइए पुलिस को, लगवा दीजिए हथकड़ियाँ। मोना, कहीं तुम्हें भी मेरी बहन और बहने पर शक तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारा नेकलेस चुराया है? कैसे बातें करते हो, ऐसी बेहुदा बातों का ख्याल भी कभी मेरे मन में नहीं आ सकता। तुमने अपने मोना को पहचाना नहीं क्या? मैं कभी ऐसा सोच सकती हूँ? लेकिन तुम्हारी मम्मी तो। अनिल, मुझे नेकलेस चोरी हो जाने का इतना गम नहीं है जितना कि मम्मी की बातों से दुख पहुंचा है। कुछ भी बोल देती है किसी के भी सामने, इसलिए मम्मी के स्वभाव के बारे में डैडी ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। जाने दो, तुम क्यों दुखी हो रही हो? क्यों ना हो,
मैं वहां से जल भून कर आई तो तुमने और जख्मों पर नमक छिड़क दिया कि मैं तुम्हारी बहन बहनों पर शक करती हूँ। I'm sorry। तो वादा करो आज के बाद मुझ पर कभी शक नहीं करोगे, कभी नाराज नहीं होगे, झगड़ा कभी नहीं करोगे। कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक काम जरूर करूंगा। क्या? शर्माई है तो क्यों घबराई है।
क्या पपलू है? बाबूजी घर में नहीं है ना? बाबूजी, इसका मतलब आप मैनेजर साहब के बेटे हैं? बिल्कुल सही पहचाना पपलू। जी, अब मेरा मतलब है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास ठंडा पानी मिलेगा? जी। हाय हाय हाय, मेरे बाप ने भी अच्छा पपलू फिट कर रखा घर में। अरे यहाँ भी नहीं, अरे दरवाजे की कुंडी क्यों लगा? अरे रानी, अगर घर के दरवाजे की कुंडी बंद करो तो दिल के दरवाजे की कुंडी ऑटोमेटिकली खुल जाती है। हाँ तो जाने दो। अरे चली जाना। अरे मैं कहाँ रोक रहा हूँ, देखो रानी 5 मिनट के लिए तुम रुक जाओ और 2 घंटे के बाद चली जाना। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारा नाम क्या है? बर्फी। हाँ हाँ हाँ, कितना मीठा नाम है, थोड़ा सा चकना। छोड़ी ना। चखने देना। अरे चखने दे। छोड़ी ना। अरे कौन है? ये तो रमेश की आवाज है। अरे रमेश दरवाजा खोल। अरे कुत्ता आ गया। कुत्ता? आपके बाबूजी? अरे हम लोग ऐसे ही हैं। खोल दो दरवाजा। खोलता हूँ। अरे खोल ले दरवाजा, क्या कर रहा है तू? नीचे घुस, नीचे घुस, नीचे। आवाज नहीं करना, सांस मत लेना। खोल रहा हूँ। अरे जल्दी खोल ना। अरे क्या कर रहा था तू? कब से मैं दरवाजा खटखटा रहा हूँ? मुझे तुझसे। अरे बाबू क्या उधर नहीं? वो क्या कि आपका वजन ज्यादा है और कुर्सी कमजोर है। पप्पू आप यहाँ बेड पे बैठो ना आराम से, मेरा मोटा बापू ये पिल्लो लो। कब आया तू? 25 साल पहले। मेरा मतलब है कि 15 मिनट पहले ही आया मैं। कोई खास काम? खास काम यह बापू, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। आप मुझे 5। चले 5 रुपए ले। अरे 1000 तो बोलने दो। 5000? अरे 5 का नोट तो आजकल भिखारी भी नहीं लेता है। तू क्या मुझे कोई टकसाल समझता है? कब देखो रुपए की बात करता है, बहुत बदमाश हो गया। बापू आपने मुझे पैदा किया ना? हाँ। तो पालना तो पड़ेगा ही ना। बदमाश। वो आपकी नसवाद मेरी नाक में चली गई ना। ये किसने खाई छींक दूसरी? बापू मैंने खाई नहीं ना। अच्छी। ये छींक किसने खाई? आपने खाई? नहीं नहीं आपने खाई। ये सुन रहा था मैं, कैसे खा सकता हूँ? आपने खाई? नहीं आपने खाई। अच्छी। न मैंने खाई न तूने खाई, किसी और ने खाई। नहीं नहीं बापू नहीं। तो ये बर्फी वाली छींक थी और तू मुझे कवाली सुना रहा था, कब से चल? ये तो मुना वाला है, यहाँ कैसे है? अच्छा यार तुमने चोरी किया था, निकल बाहर, बाहर निकल। चुप रहिए। बता ये हार तुझे कहाँ से मिला? ये मोना का हार तुझे कहाँ से मिला? तूने चोरी की थी ना? नहीं बाबूजी। नहीं? देख पुलिस में बता दूंगा, दोनों तरफ से जाएगी। बोल। देख बोल दे अगर तूने चोरी किया है तो। बोल। जी बाबूजी। नहीं मेरी जी, मुझसे गलती हो गई। देख इस दफे मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन इस हार के बारे में किसी को बताया तो पुलिस ऐसा मार मारेगी कि नहीं इधर की रहेगी ना उधर की। फुटियात है। देख बाद में मुझे मिलना। ज्यादा मैं तुम्हें इसके 20,000 दे सकता हूँ। 20,000? लाखों के हार के सिर्फ 20,000? लाखों का? अरे कोई 18,000 20 का देगा ना तो मैं ये सारी कोठी तुम्हारे नाम लिख दूंगा। ले जाओ भाई मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ भाई मुझे नहीं चाहिए। साधु राम जी ठहरिए, देखिए मैं माल बेचने आया हूँ, कोई घर वापस ले जाने थोड़ी आया हूँ। ठीक है आप भी क्या याद रखेंगे, दरअसल मजबूरी ऐसी है कि मुझे अपना खानदानी हार बेचना पड़ रहा है। जरा जल्दी कर दीजिए, लाइए निकालिए। ठीक है ठीक है जी, लो 10,000 और ये लो 10, पूरे 20,000 समझे? मेहरबानी। जय हो जय हो लक्ष्मी देवी, जय हो जय हो जय हो। अरे डेढ़ का। अरे वाह पिताजी कितना खूबसूरत हार है, कोई गिरवी रख गया क्या? हाँ नहीं नहीं, कोई मिट्टी के भाव बेच गया, मैंने 20,000 में खरीद लिया। और प्यारा है, मैं इसे पहन लूँ? अरे नहीं, इतना कीमती हार क्या पहना जाता है? तो क्या तिजोरी में रखा जाता है? इस हार की कीमत आपके बेटे के गले से ज्यादा है क्या? हो तुम समझती क्यों नहीं हो। ठीक है
शादी ब्याह के मौके पर पहन लिया कर। हाँ, लेकिन तेरे ससुराल कभी नहीं ले जाने दूंगा। वैसे भी तेरे पति को यहाँ से निकालने वाला हूँ। क्यों पिताजी क्यों? अरे आ जाने दो, उस प्यारे के बच्चे को मैं देख लूंगा उसे। मैं आ गया, आपका प्यारा प्यारा प्यारे आ गया। मेरे हजार साल क्यों मेरे नहीं? हजार साल की नहीं, सिर्फ पाँच मिनट की। पाँच मिनट? उसमें भी कंजूसी। अबे खामोश, चल बात बोरिया बिस्तर अपना, निकल यहाँ से। चल। अरे मगर, अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई बात बात नहीं सुनने की, निकल जा यहाँ से, वरना कसम तो जोरी की तुझे तक के मार मार कर कुएं में फेंकूंगा। अरे नहीं, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कुएं में फेंक रहे हैं। पागल हो गए क्या? अरे अरे क्या है, क्या है? मैं अरे अरे हटो जी, बड़े आए कुएं में उठा के फेंकने वाले, पानी भरा लोटा तो उठाया नहीं जाता, मुझे क्या खाक उठा के कुएं में फेंकेंगे? हाँ वैसे अगर आप मुझसे इतनी ज्यादा बोर हो चुके हैं तो मैं भी मर्द का बच्चा हूँ, अभी जाके कुएं में कूद के जान दे देता हूँ। छोड़ दो मेरा हाथ। अबे तुझे पकड़ा किसने है? देखो मैं जा रहा हूँ। अरे जाओ ना। मैं चला जाऊँगा? तो जाते क्यों नहीं? तुम एक मरता मुझे पकड़ के तो देखो। अच्छा इतना कंजूस आदमी, तो मैं जा रहा हूँ। लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि मुझको गंवा कर आपने 1000 रुपए महीने का नुकसान कर लिया। 1000 रुपए का क्या मतलब? छोड़ो मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यमराज बड़े प्यार से बुला रहे हैं, कहते हैं ऐसे ससुर का साथ छोड़ और अंदर आ जा। आ रहा हूँ। बात तो सुन, वो 1000 रुपए की क्या बात है? तुम्हारा छोड़ो। हाँ ये तो। मुझे अनिल भैया ने ऑफिस में बुलाया था, मैं गया तो मुझे नौकरी दिलाई, मुझे 1000 रुपए महीने का मिलने वाला था, मगर अफसोस मेरी बीवी की तरह मेरी नौकरी भी कुंवारी रह गई। अरे अरे अरे, ये क्या आदर्श करने जा रहे हो? आत्महत्या करना पाप होता है। हाँ, मगर वो पाप मैं आपके कहने पर करने जा रहा हूँ, मैं जो करूँगा पाप उसके जिम्मेदार होंगे आप। अरे वो तो मैं ऐसे गुस्से में कह गया था, आओ मेरे कमाओ दामाद, 1000 रुपए देने वाले पेड़ को कोई ऐसे थोड़ी काटता है। आजा आजा मेरे दामाद, तेरे गले लग जा। वैसे भी कितना दम होता है, नहीं मरते हुए आदमी को 1000 रुपए में जिंदगी मिल जाती है, ये याद रखना, ये बात भूलना नहीं। तकबतिया जी। मालिक? ये मालिक, मैंने तो सुना था कि सेठ द्वारका प्रसाद इस कंपनी के मालिक हैं। मैनेजर कौन है? मैं हूँ। तो फिर आपको मालिक क्यों बोल रहे? इज्जत से मुझे मालिक कहता है। नहीं नहीं, पर इतनी इज्जत नहीं लेनी चाहिए, आपको हजम नहीं होगी मैनेजर को सेठ की जगह थू थू थू। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो, आज से मुझे मैनेजर साहब कहा करो। जी मैनेजर साहब। ठीक है चलेगा, लेकिन ये कौन है? ये मिस्टर प्यारेलाल, आज से तुम्हारे हाथ के नीचे काम करेंगे। लेकिन मैनेजर साहब, आपको तो मालूम है कि हमें किसी असिस्टेंट की जरूरत ही नहीं है। जरूरत हो या ना हो, इन्हें रखना पड़ेगा, ये अनिल बाबू के बहनोई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तो समझ लीजिए रख लिया। हाँ ठीक है रख लिया, आज पे डे है, 10 बज गए हैं, अभी तक तनख्वाह बाकी नहीं, जा तैयारी कर। जी जी जी। तुम कहाँ आ रहे हो? मैं आपके हाथ के नीचे हूँ, तो जहाँ जहाँ आपका हाथ जाएगा तो नीचे नीचे मैं आऊंगा ना। क्या मतलब? मतलब आप पगार देंगे, मैं नोट करूंगा। नोट? नहीं नहीं, वो वाला नोट नहीं, लिखना ये नहीं, ये हिसाब लिखने वाला नोट। हाँ हिसाब? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, हिसाब बरसों से मैं ही करता हूँ, इसलिए मैं ही करूंगा। तुम देखो अनिल बाबू के बहनोई हो, यहाँ आराम से बैठ के चाय पियो। चाय में पी के आया हूँ। अरे तो ठंडा पियो। ठंडा में पीता नहीं। हाँ तो खाना खा लो। खाने का टाइम हुआ नहीं। अरे यार तो आराम कर लेना। नहीं मैं आराम कर, ये गड़बड़ है। ये ले 400 रुपए। राम खिलावन, ये ले 500 रुपए, अंगूठा लगा। शाबाश रामदीप। कौन है तू? अरे तुम्हें तो अंदर बैठने को कहा था ना। नहीं मैं बैठा तो अंदर ही था, मगर ये बेईमानी का लव चमक मुझे यहाँ खींच के ले आया। तुम लिखते हो 700 रुपए, देते हो 500 रुपए, बाकी के 200 रुपए किधर जाते हैं? क्या बोला? माफ करना। ये लोग कौन है? यहाँ तो हर मजदूर के साथ यही होता है साहब। साहब हर एक की तनख्वाह से खजांची 200-300 रुपए काट कर खुद रख लेते हैं। अरे उससे क्या पूछता है, अपने मैनेजर से पूछ। अरे नहीं नहीं, ये कौन है? मैं इन्हें नहीं जानता। अच्छा अच्छा, मेरा नाम लेके यहाँ दादागिरी करने आयो, चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा जाओ। हाँ।
के मार। मैं देखा नहीं, अभी रह गई। अब क्या बीच में आते हैं, लगा भी नहीं ना। ठीक है, आप इधर आ जाइए। माफ कर दीजिए, भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई मेरे से। महंगाई का जमाना, इतनी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, और फिर मेरी माँ भी बीमार है और एक जवान बहन उसकी शादी करनी है, बस इस मर्तबा माफ कर दीजिए। छी 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 लखपतिया, हमने तुझ पर भरोसा करके हमने तुझे खजांची के पोस्ट पर रखा। उधर बोलो। हाँ, और तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता। छी छी, अनिल बाबू इस दफे इस पर तरस खाते से माफ कर दीजिए। चलो माफ कर दिया, लेकिन आज से तुम प्यारे भाई के हाथ के नीचे काम करोगे। और सुनो, ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी लास्ट वार्निंग। हो गया जी। तुम मेरे पीछे पीछे काहे के लिए आ रहे हो? वो मैं आपके हाथ के नीचे हूँ ना, जहाँ आपका हाथ जाएगा वहीं मैं जाऊंगा। तुम वहां बैठो, मैं ऑटोमेटिक हाथ ऊपर रख दूंगा। जी जी। चोर रहेगा। और सुनो जी जी, कैश बुक लेकर आओ। जी 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 जी, कैश बुक। सीधे खड़े रहो, ज्यादा दूर मत हिलाओ। है जी? नहीं जी। अनिल ने अपने चोर बहनोई को कंपनी का हेड कैशियर बना दिया, और इतने ईमानदार वफादार पुराने लखपतिया को उसका असिस्टेंट। बताइए, बस यूं समझ लीजिए मार्गिन, बागीचे की रखवाली बंदरों के हाथ और शहर की कोतवाली चोरों को सौंप दी गई। गोपाल दास जी, अब ये लगाने बुझाने की आदत छोड़ दीजिए। अनिल के खिलाफ ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता आपको। नैनी बिटिया रानी, आप समझी नहीं। मैं सब समझती हूँ, समझने की जरूरत आपको है। जिनके खिलाफ आप मम्मी से शिकायत कर रहे हैं वो नौकर नहीं मालिक है, और डैडी ने अपना सारा कारोबार उन्हें खुशी से सौंप दिया है। आइंदा इस बात का ख्याल रखिए, और कभी अपनी सीमा पार करने की कोशिश मत कीजिए। मम्मी, मैं रात को देर से लौटूंगी, वो काम के सिलसिले में शहर गए हैं, उन्होंने होटल में टेबल बुक किया है, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। ओके? ठीक है। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन अच्छा मार्केट। तुझे किसी की याद आती है? आती है। तेरा दिल विल धड़कता है? धड़कता है। अगर मैडम आप ये क्यों पूछ रही हैं? Oh,
तेरे इस गंदे रूप को देखकर आज मुझे अपने आप से नफरत हो रही है कि मैं ऐसी नीच लड़की का भाई हूँ। अगर तुझे होटलों में नाचने का इतना शौक था तो डूब के मरने की झूठी खबर क्यों फैलाई थी? उस दिन तेरे मरने की खबर सुनकर जितना दुख हुआ था ना, आज तुझे जिंदा देखकर उससे भी ज्यादा दुख हो रहा है। अरे ऐसे दिन दिखाने के बजाय काश तू सचमुच डूब कर मर गई होती। भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं सचमुच नदी में डूबकर मर जाना चाहती थी, मगर तुम्हें तो याद है भैया, तुम इम्तिहान देने शहर चले गए और उसी दिन मामी भी प्रेमा को लेकर मायके चली गई थी और उसके तीसरे रोज ही मामा ने किसी से बिना बताए एक बूढ़े से 20,000 रुपए लेके तेरी शादी तय कर दी। इस बात का पता चलते ही मैं वहां से भाग गई और आत्महत्या करने के लिए मैंने नदी में छलांग लगा दी। उस वक्त एक नेक इंसान वहां से गुजर रहा था, उसे मुझे डूबने से बचा लिया। मेरी कहानी सुनकर उसको मुझ पर दया आ गई और उसने मुझसे शादी कर ली, लेकिन बदकिस्मती ने वहां भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उनकी नौकरी छूट गई। लाख तलाश करने पर उन्हें कहीं काम ना मिला और ऊपर से हजारों का कर्ज। एक दिन कर्जदारों से तंग आकर वो कहीं चले गए और आज तक लौट कर नहीं आए। और मैं बदनसीब आज तक उनके इंतजार में जीवन काट रही हूँ। लेकिन इस तरह होटलों में नाचने की क्या जरूरत थी? अपना पेट पालने के लिए छोटा मोटा काम कर सकती थी। इसका जवाब मैं देती हूँ। आप? मैं हूँ लीना शर्मा, इस होटल की मालकिन। आपने अभी अभी सुमन से कहा कि अगर पेट पालना था तो इज्जत का कोई छोटा मोटा काम कर लेना था, लेकिन आप मर्दों की दुनिया में बेसहारा कमजोर गरीब और जवान लड़की को कोई इज्जत की जिंदगी जीने देता है? अरे भिखारी की तरह हाथ फैलाकर मदद मांगो तो पहले तो कोई हाथ पकड़ लेता है और फिर मदद की कीमत मांगता है। जब भी मुझे सुमन जैसी बेसहारा और शरीफ बच्ची मिल जाती है तो मैं उसे इन आबरू नोचने वाले गिद्धों से बचाकर यहां ले आती हूं, कला सिखाती हूँ, डांस करवाती हूँ, ए हयाई का धंधा नहीं करवाती। मेरे भाई, मेरे यहाँ हाथ लगाना तो दूर की बात है, अगर कोई बुरी निगाह से भी देखे तो मैं उन निगाहों के कटोरों को गोलियों से छलनी कर दूंगी। I'm sorry, baby जी, मैं अपने बर्ताव पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दो सुमन। भैया मैं
मत रो सुमन, मत रो। अब जो तुम मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। अब तुम देखना, खुशियां तुम्हारी झोली में ऐसे भर दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, मगर खुशियों का अंत नहीं होगा। और अगर तकदीर ने चाहा तो तुम्हारी सुनी मांग मैं फिर से सजा दूंगा, फिर से सजा दूंगा। ये मेरे पति है भैया। खैर, अब यहां से चलने की तैयारी करो। नहीं भैया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? हाँ भैया, अगर कल वो आ गए और मुझे घर पर ना पाया तो जाने क्या सोचेंगे, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे मुझे। इसीलिए भैया, जब तक वो नहीं आ जाते मुझे यही रहकर उनका इंतजार करना होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज के बाद तुम होटलों में नहीं नाचोगी। इज्जत से घर में रहो, बहन के खर्च की जिम्मेदारी भाई के कंधे पर। ठीक है भैया। और एक बात, ये बात तुम अपने पति से कभी मत कहना कि उनका कर्ज उतारने के लिए या उनके प्यार के मंदिर को बचाने के लिए तुम होटलों में नाचती गई। क्यों? मैं उनसे झूठ क्यों बोलूं? इसलिए कि तुम जितनी सीधी और भोली हो, दुनिया उतनी भोली नहीं है। नाच के पेशे को समाज नफरत की निगाह से देखता है। समाज देखता होगा, अगर वो ऐसे नहीं है, उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। जिद मत करो सुमन, मैं जो कहता हूँ वही करो, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है बाबा, नहीं कहूंगी, इसमें कसम देने की क्या जरूरत थी। अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ठहरिए भैया, तुम भी किसी से मत कहना कि तुम्हारी बहन होटलों में नाचा करती थी। क्यों? क्योंकि जैसे तुमने कहा, तुम्हारी शादी बहुत बड़े घर में हुई है, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारी बहन होटलों में नाचा करती थी तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और भाभी को भी नहीं अच्छा लगेगा। अरे नहीं सुमन, तुम्हारी भाभी वैसी नहीं है, तुम उसको नहीं जानती। नहीं भैया, जब तक मेरे पति मुझे नहीं मिल जाते तब तक उन लोगों को मेरे बारे में कुछ मत कहना, और न मैं उनसे क्या कहूंगी कि मेरे पति कहाँ है और मैं इतने दिन कहाँ थी। नहीं भैया, तुम मेरे सर की कसम खाकर कहो कि तुम उन लोगों से कुछ नहीं कहोगे। अच्छा बाबा, अब जो तुम मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई दुनिया मुझे वापस मिल गई। अब तुम देखना, खुशियां तुम्हारी झोली में ऐसे भर दूंगा कि झोली छोटी पड़ जाएगी, और अगर तकदीर ने चाहा तो तुम्हारी सुनी मांग मैं फिर से सजा दूंगा। अच्छा हुआ कल रात को गाड़ी लेकर तुम खुद लौट आई, मुझे काफी देर वहां रुकना पड़ा, और जब मैं घर लौटा तो देखा तुम सो चुकी थी। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। क्या बात है, खामोश क्यों? कुछ नहीं, हो सकता है देर से सोने के कारण नींद पूरी नहीं हुई। खैर दिन में सो जाना, मैं चाहता हूँ क्योंकि ऑफिस में ज्यादा काम है और आने में फिर से देर हो जाएगी। बाय। प्रणाम बाबू जी। अरे जीते रहो बेटे, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी अपने लिए। तो इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है, तुम मालिक हो। कैसी बातें करते हैं आप। बैठो 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 अंदर। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फरमाइए। अनिल बेटा,
मेरी एक बहन है। आपकी बहन? हाँ, मेरी सगी बहन, सुरेखा नाम है उसका। लेकिन मेरी पत्नी की मेरी बहन से बनती नहीं है, इसलिए सालों से उसने इस घर में आना जाना बंद कर रखा है। आज जिंदगी में पहली बार उसने मुझसे कुछ मदद मांगी है, उसकी चिट्ठी आई है। कैसी मदद? उसके पति यानी मेरे बहनोई का एक फेफड़ा खराब हो चुका है, अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उनकी माली हालत ठीक नहीं है और अपनी तबीयत को देखते हुए पैसे लेकर अस्पताल में जाने की मुझमें तो हिम्मत नहीं है बेटा। आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। मैं यही तुमसे कह रहा हूँ कि तुम ऑफिस से 50,000 रुपए लेकर फौरन शहर चले जाओ। जी। ये उनका पता है इसमें, ठीक है। दूसरी बात, इन रुपये की कंपनी के अकाउंट में एंट्री नहीं करवाना। क्या है कि गोपाल दास जी ने खामखा निर्मला के कान भर दिए, तो समझ रहे हो ना? जी। और ओना से भी कुछ मत कहना, कहीं भोलेपन में उसने जिक्र किया तो। बाबूजी आप बेफिक्र रहिए, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ये 50 और ये 5, 55, ये मैं तुम्हारे नाम पे लिख। नहीं नहीं नहीं, मेरे नाम पर नहीं लिखना। अरे? सिर्फ 5,000 मेरे नाम पर लिखना और बाकी 50,000 कहां और कैसे एडजस्ट करना है साल के आखिर में बता दूंगा। पचपन हजार? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? 55,000। अभी देखिए, ये 5,000 उससे अपने नाम से निकाल। चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये 50,000 अरे किसको देना है, कहाँ देना है, ये तो ईश्वर ही जाने। और मालकिन प्यारे लाल से साथ में ये भी कहा है कि ये 50,000 अलग से लिख के रखना। अच्छा? साल के आखिर में बताऊंगा कि इसे कहाँ और कैसे एडजस्ट करना है। रुपया लेकर बिना किसी को बताए बताने कहाँ चले गए? मालकिन ये मत समझिएगा कि मैं लगाई बुझाई कर रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं ईमान की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। देखिए, अनिल बाबू जवान है, गर्म खून है और पहली बार इतना रुपया एक साथ देखा है। मैं तो कह रहा हूँ भगवान ना करे कहीं किसी के साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, तो समझ रही है ना आप। मालकिन मालिक पर तो उन्होंने ऐसा जादू कर रखा है कि वो अनिल बाबू के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना गवारा नहीं कर सकते। इसीलिए आपको चेतावनी दे रहा हूँ मालिक, कहीं ऐसा ना हो कि सेठ जी से कह के अनिल बाबू सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। हाँ। और आप लोग हाथ मलते रह जाए। बिल्कुल। बेटे, तुम्हारा और भैया का ये एहसान मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगी। भैया से कहना उन्होंने ये रुपये भेजकर मेरे सुहाग की रक्षा की है। अब ऐसा क्यों सोचती हैं बुआ जी कि मैं सिर्फ यहाँ पैसा देने आया था और देकर चला जाऊंगा? कल सुबह इनका ऑपरेशन है, जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मगर तुम्हें तकलीफ? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, इसी शहर में मेरी बहन रहती है, रात वहां रहूंगा और ऑपरेशन के वक्त यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। ठीक है। देखिए, आपके होटल में वो जो डांसर लड़के हैं ना, क्या नाम है उसका? हाँ, सुमन, उसे जरा लाइन देंगे, मुझे उससे बात करनी है। ओ, अब सुनिए, उसका एड्रेस होगा ना आपके पास? मुझे उससे अर्जेंट काम था। अरे अरे ठहरो, रात भर जागने से सुबह जरा सी आंखें लग गई, तुम तो चुपचाप उठकर चल दिए। चलो पहले अंदर चल के नाश्ता। अरे मुझे जल्दी है, अभी नाश्ता करने का टाइम नहीं है। जरा सा नाश्ता करने में कुछ देर नहीं हो जाती। चलो ओहो। चलो ना। क्यों वकील साहब, आज अचानक आ गए? सब खैरियत तो है? जी। इन्हें मैंने बुलवाया है। तुमने? हाँ, वकील साहब से कहकर मैंने आपकी तरफ से एक वसीयतनामा बनवाया है। क्या? जी, जिसके तहत आपकी जमीन जायदाद हर चीज की इकलौती वारिस होगी मोना। लेकिन 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 क्या आप क्या चाहते हैं? निर्मला, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि वसीयत मोना और अनिल दोनों के नाम करो। जो मैं कह रही हूँ वही होकर रहेगा। निर्मला, ये तो गोपाल दास जी, जरा मोना को तो बुलाइए। जी अच्छा।
इसमें मोना को बुलाने की क्या जरूरत है? मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ। निर्मला फिर भी मुझे मोना से एक दफा बात करने दो, ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती है। डैडी आपने मुझे बुलाया। मोना बेटी, मैं मेरी वसीयत तुम्हारे और अनिल के नाम करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं ये वसीयत सिर्फ तुम्हारे नाम करूं। मैं ये जानना चाहूंगा कि तुम क्या चाहती हो। बोला बेटी चुप क्यों हो, तुम्हारी क्या राय? मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूं। मम्मी ठीक कहती है। बोला हाँ दादी। बोला अब आप क्या सोच रहे हैं? मोना ने तो अपना फैसला सुना दिया, दीजिए दस्तखत। वकील साहब जी, ये लीजिए ये पेन। ठीक है ना मालकिन जी? चलिए वकील साहब। नमस्ते। नमस्ते। क्या हो रहा है हुजूर? छोड़ दो, ये हर वक्त का मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। बाप रे बाप, दिमाग का पारा तो आसमान को छू रहा है। हाँ क्यों नहीं, मैडम आजकल पैसे वाली जो हो गई। ये मैडम, ये कुछ जेब खर्च के लिए मिलेगा? क्यों, 50,000 लेकर भी जी नहीं भरा? वो 50,000 जिसके लिए निकाले थे उनको तो दे दिए, यहाँ तो जेब खाली की खाली रहेगी। चलो जेब खाली ही सही, प्यार की झोली तो भर दो। मैंने कहा ना छोड़ दो मुझे। बोला बेटी। जी डैडी। जरा अंदर तो आओ। क्या बात है बेटी, तुम्हारे और अनिल के बीच कोई झगड़ा हुआ है? सुनो बेटे, लड़की जात जिद का नहीं समझौते का दूसरा नाम है। इस दुनिया में औरत इसलिए पैदा हुई है कि वो दुनिया भर के कांटों को बटोर कर अपने दामन में डाले और बदले में दुनिया को फूल बांटती रहे। एक रेत की दीवार जैसा है यह संसार, जो स्त्री की पवित्रता और प्रेम के सहारे खड़ा है। अगर यह सहारा ही हट जाए तो यह दीवार ढह जाएगी। और जहां तक अनिल की बात है, मेरी तजुर्बेकार आंखों ने परख कर उसे पसंद किया है। और सिर्फ मैंने ही क्यों, तुमने भी तो पसंद किया था। यही तो मेरे लिए सबसे बड़े दुख की बात है, उन्हें मैंने ही पसंद किया था। मैंने देवता समझकर उनकी पूजा की थी, लेकिन क्या? बोलो बेटी क्या बात है? डैडी, एक पत्नी अपने पति की हर ज्यादती बर्दाश्त कर सकती है, उसके हर दुख को सुख समझकर झेल सकती है, अगर अपने पति की जिंदगी में किसी दूसरे औरत का साया भी पड़ जाए तो वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी औरत? तुम क्या कह रही हो? हाँ, उन्होंने होटल में नाचने वाली एक मामूली औरत के साथ तालुकात पैदा कर लिए हैं। सारी सारी रात उसके घर में रहकर गुजारते हैं। नहीं मोना बेटी, ये नहीं हो सकता, ये झूठ है। ये सच है, क्योंकि ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है।
मैंने उन्हें उस लड़की को गले लगाते हुए देखा है। मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें उसके घर से निकलते हुए देखा। नहीं मोना। बस डैडी, मैंने जो देखा है सुना है उसके बाद अनिल की शराफत के बारे में मैं आपसे कुछ नहीं सुनना चाहती। मोना, मोना तुम्हें हकीकत ऐसे फरीबी इंसान के साथ मैं एक दिन भी नहीं गुजार सकूंगी। इसलिए मैंने फैसला किया है कि अदालत में अपील करके मैं उनसे तलाक ले लूंगी। डैडी, डैडी, डैडी क्या हुआ? तुम रहने दो। मैंने फैमिली डॉक्टर होने के नाते आप लोगों को ताकीद की थी, इन्हें हर किस्म की परेशानी और सदमे से दूर रखें, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से इन्हें गहरा सदमा पहुंचा, जिसके कारण उन पर जबरदस्त पैरालिसिस का अटैक हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि सेठ जी सिर्फ सुन सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पर जुबान से बोल नहीं सकते। डॉक्टर साहब, तेरे ठीक तो हो जाएंगे ना? कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि जिस सदमे के कारण उन्हें अटैक हुआ है, किसी बेहद खुशी के कारण वो अच्छे भी हो जाएं। बाकी और कुछ कहना हमारे बस के बाहर है, सिर्फ उनकी देखभाल जो है आप लोगों को बहुत रेगुलर करनी होगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, आज के बाद हम माँ बेटी के सिवा और किसी भी तीसरे व्यक्ति को उनके पास जाने की इजाजत नहीं रहेगी। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए डैडी, ना मैं तलाक की बात करती और ना ही आपको यह सदमा पहुंचता। मैं जानती हूं अपने खानदान में तलाक की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको वचन देती हूं, अपने दिल से तलाक का ख्याल हमेशा के लिए निकाल दूंगी। अब वो जैसे भी है, मैं उन्हीं के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगी। कौन? मैं, प्यारे, आपका दामाद। अच्छा अच्छा, मैं समझना चाहने कौन है। तनखा मिली? हाँ मिली ना। दिखाओ तो सही, कहाँ है? पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में? अरे पोस्ट ऑफिस में क्या कर रही? वो मेरे पिताजी के पास जा रही है। हा? रहता सोता खाता इस घर में है, और जब पगार मिलती है तो अपने बाप को भेज देता है। अबे ओ लुके पक्के हराम खोर, अब और क्या गाली दूं, मेरी तो गालियां भी खत्म हो गई। खत्म हो गई तो मैं मेरा मुंह धो लूं? अरे मुंह क्या, जिंदगी जीना डोले। हाँ तो मैंने पहले धो लिया। ससुर जी खाना लगा दीजिए, बहुत कष्ट को भूख लगी है। पगार अपने बाप को भेजता है? मेरे घर जमाई, आज तेरे पेट और मुंह की जलाई होगी। चिलाल मिर्ची। अरे मिर्ची। ससुर जी खाना लाएंगे ना, बहुत भूख लगी है। सबर करो, लाता हूँ। ये ससुर जी, इसमें चटनी नहीं। अरे खारे खारे चटनी की कोई जरूरत नहीं है, चटनी के बिना ही चटनी का मजा आएगा। नहीं, मैं जब तक चटनी न देखूं मेरा निवारा नीचे नहीं जाता है। चटनी लाओ ना। पानी पी देता हूं। इधर ससुर जी, इधर मजा आ गया। अरे मेरे मुंह का देख रखा ना। नहीं, आप बड़े यहाँ पहले शुरू कीजिए ना। अरे तुम मेरे दावत हो, मेरी मिर्ची के सुहागा। मेरा मतलब है मेरी बेटी के सुहागो, पहले तुम खाओ। तो काम करते हैं ना, हम दोनों साथ में शुरू करते हैं। रेडी, थ्री टू वन, टूट पड़ो। बाजू में जाके मरो या मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, मैं पानी गिरा के आता हूँ, लेके आता हूँ।
अरे जल्दी अरे आप कौन है? अरे ये क्या कह रहा है? अरे ससुर जी आप एक बात का फैसला कर लीजिए, आप चाहते क्या हैं? आप उड़ के गिरना चाहते हैं या मुझे मारना चाहते हैं, बोलो तो सही। अरे प्यारे ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना खाते खाते ससुर जी के मुंह में अचानक आग लग गई। मैं एक घंटे से फायर ब्रिगेड वालों की तरह इनके मुंह में पानी मार रहा हूँ मगर इनके शरीर की बिल्डिंग की आग बुझती है। अरे क्या हाल है तू? मैं साबुन लगे पैर की तरह धड़ाधड़ धड़ाधड़ गिरता जा रहा हूँ और तू खुश होती जा रही। अरे भाई खुशखबरी सुनकर आ रही हो इसलिए तो खुश हो रही हो। कौन सी खुशखबरी? अरे अपनी पेमा बीमार थी ना, उल्टियाँ कर रही थी तो मैं डॉक्टर के पास ले गई। उन्होंने बोला कि उसके पाँव भारी है। तो क्या वो पाँव में लोहे की पाइप पहनती है? समझते क्यों नहीं है मैं नानी बनने वाली हूँ और आप नाना। नाना अरे ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इन दोनों को कभी अकेले में मिलने ही नहीं दिया, ये कैसे हो गया? रोज रात को जो आप दूध पिया करते थे ना उसका ये कमाल है। अरे क्या बात है, मेरे दूध पीने से क्या कर लोगे? ससुर जी मैं बताता हूँ, मैं उस दूध में हर रात है ना घोड़े को सुलाने वाली नींद की गोली मिला देता था। दूध पीते ही आप है ना हेलीकॉप्टर को शर्माने वाले कराटे लेने लग जाते थे और मैं चुपके से खसक जाता था। अबे और आप बोल सत्यनाथ तेरा, अबे और लू के पक्षे मैंने तुझे नहीं छुड़ी। दादी खबरदार, ये क्यों पागल की तरह मेरे लड़के पर लकड़ी उठा रहा है तू? मैं बताता हूँ पिताजी, आप है ना आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप बनने वाला हूँ और ये नहीं चाहते कि आप दादा बने। अरे ये कौन रहता है मुझे दादा बनने से रोकने वाला और तुझे बाप बनने से रोकने वाला? लेकिन प्यारे सच सच बता बेटा, तू वाकई बाप बनने वाला है? आपकी कसम। अरे वाह मेरे लाल, क्या खुशखबरी सुनाई है। अरे मैं तो आया था दहेज का फैसला करके अपने बहू और बेटे को साथ में ले जाने के लिए, लेकिन अब मैं अपने पोते को भी साथ में लेकर के जाऊंगा। कोशिश कीजिए ना। हाँ संभल के आराम से। भगवान ने आपको इस काबिल तो बना दिया कि आप बिस्तर से उठकर कुर्सी पर तो बैठ सकते हैं। अब मैं आपको इस कमरे में लेटे लेटे बोर नहीं होने दूंगी, आपको रोज हॉल में घुमाया करूंगी। घुमा सकती हूँ ना डॉक्टर साहब? ऑफ कोर्स, हॉल में क्यों, आप सारे बंगले में घुमा सकती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चलता हूँ। ओके आइए डॉक्टर। देखा डैडी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और देख लेना थोड़े दिनों के बाद अब बोल भी सकेंगे। मुझे विश्वास है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नमस्कार। लेकिन मम्मी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि घर में इतनी टेंशन और डैडी की ये हालत होते हुए भी मेरा बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? बेटा डॉक्टर साहब का कहना है कि हंसी खुशी के माहौल से उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मेरी बच्ची ना मत बोल, उनकी सेहत के लिए उनकी खातिर मान जा। ओके मम्मी। Thank you.
ये सच है के प्यार करते हैं, वो दिल लगाते हैं, ये सच है के प्यार करते हैं, उनको चाहत मिले जो ऐतबार करते हैं, सच है कि प्यार करते हैं। समझ न पाई तेरे साथ की नहीं है मैंने बेवफाई, ओ मेरी बेबसी को तू समझ न पाई तेरे साथ की नहीं है मैंने बेवफाई, बेवफा है वो शख्स किसी पे जो यार करते हैं, बेवफा है वो शख्स किसी पे जो यार करते हैं, उनको चाहत मिले जो ऐतबार करते हैं, सच है कि प्यार करते हैं। मैं पूछ सकता हूं पार्टी में सबके सामने यह नाटक करने की वजह क्या थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूं मोना, मेरी बात का जवाब दो, ये क्या तमाशा बना रही हो तुम? मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? मैं बताती हूँ, अपनी शराफत का ढोंग रचाकर मेरी बेटी को बेवकूफ बनाकर उससे शादी कर ली, फिर मोना के पिताजी को बातों में फंसा कर उनका कारोबार हड़प लिया, उसके बाद अपने चोर उचक्के बहनोई को हेड कैशियर बनाकर सारा कैश अपनी मुट्ठी में कर लिया। ये झूठ है। चिल्लाओ मत, तुमने हमसे पूछे बगैर हमारी ऑफिस से 50,000 रुपए उठाए, क्या ये झूठ है? ये सच है, लेकिन वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए। अपने लिए लो या अपनों के लिए लो, बात तो एक ही है ना, पैसे तो हमारे गए, इसलिए मैंने मोना के पिताजी से कहकर सारी जायदाद इसके नाम करवा दी है, वरना तुम तो धीरे धीरे सबके मालिक बन बैठते और हमें भिखारी बनाकर रास्ते में धकेल देते। मेरे पास आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन जवाब देने का अभी वक्त नहीं आया। मोना, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे क्या पूछते हो, इस वक्त जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा वो मोना के ही अल्फाज थे, सिर्फ जबान मेरी थी,
इसीलिए इस घर में अगर रहना चाहते हो तो चुपचाप से रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है और घर में इज्जत भी बनी रहेगी। लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी की जान छोड़ दो और इससे दूर रहो। चलो बेटी। बहुत सह लिया बाबूजी। एक इंसान के बस में जितनी भी सहन शक्ति होती है उससे भी ज्यादा सह लिया। पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो तो आपने अपनी आंखों से देख लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ अगर आप वो देखते तो कहते कि अनिल मत रहो यहाँ, चले जाओ यहाँ से। बाबूजी, इस घर में आपके सिवा मेरा कोई है नहीं, इसलिए जाने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मुझे जाने दीजिए बाबूजी, मुझे जाने दीजिए बाबूजी, 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 ये आप क्या कर रहे हैं बाबूजी? भगवान के लिए मेरे पैर छूकर ये अनर्थ मत कीजिए। आप मेरे पिता समान है बाबूजी, आप मेरे पिता समान है। तुम जैसे बेटे को पाने के लिए ये मामूली दौलत ही क्या, मैं 100 जन्म कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इतनी इज्जत, इतना प्यार इस अनाथ को आज तक किसी ने नहीं दिया। आपके इस प्यार के लिए आपका यह बेटा सब कुछ करने को तैयार है बाबूजी। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपना वचन भूल गया था। आज के बाद आपको और इस घर को छोड़ने की बात भी नहीं करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी सहना करना पड़ जाए। ये सब क्या हो गया? आप फिर से असिस्टेंट की कुर्सी पर और ये हेड कैशियर की कुर्सी पर? चलता है यार, ये तो दुनिया का उसूल है, कभी सामान गधे के ऊपर, कभी गधा सामान के ऊपर। लेकिन ये सब करने का हुक्म किसने दिया? अनिल बाबू, ये सब हमसे क्या पूछ रहे हैं, ये सब तो मैनेजर साहब के हुक्म से हो रहा है। मेरे पति है भैया। अनिल बाबू, ये मेरा बेटा रमेश। रमेश, ये है सेठ जी के दामाद अनिल कुमार जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम हियर, बैठिए। थैंक यू। अनिल बाबू, मोना मेम साहब ने इसे मेरी कुर्सी पर बिठा दिया है और और क्या, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे आपकी कुर्सी पर बिठा दिया है। मिस्टर अनिल, मुझे आपके बारे में सब कुछ बता दिया गया है। सब कुछ का मतलब? मतलब यह कि सिगरेट आप नहीं पीते, पान आप नहीं खाते, जुआ आप नहीं खेलते, यानी कि आपकी जिंदगी में कोई गलत पपलू है ही नहीं। गाड़ी, कपड़ा वपड़ा ये सब तुमको घर से मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से पैसे की तुम्हें कोई जरूरत है ही नहीं। फिर भी हाँ, तुम्हारे लिए 300 रुपया महीना सैंक्शन किया है। तुम इन्हें हर 1 तारीख को तुम हेड कैशियर से कलेक्ट कर सकते हो। शुक्रिया, मुझे इस मेहरबानी की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? एक क्यों, दो चार पूछिए ना। यहाँ आने से पहले आप अपनी फैमिली का खर्च कैसे चलाते थे? फैमिली? अरे अपनी जिंदगी में फैमिली का पपलू ही नहीं है, जब शादी नहीं हुई तो फैमिली कहाँ से होगी। अच्छा अच्छा, मैं समझा आप शादीशुदा हैं। नहीं, मेरी शादी कहाँ हुई है। हाँ, अगर आपकी नजर में कोई अच्छा पपलू, अरे यार ये मेरे पीछे पपलू, पपलू का मतलब है कोई अच्छी लड़की हो तो मुझे जरूर बताइएगा,
लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। एक तो मैं देश के सख्त खिलाफ हूँ और दूसरी घर जमाई बनना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरा मत मानिए अनिल बाबू, मेरा बेटा शुरू से ही उसूलों का पाबंद है। दूसरों की दौलत पे हाथ साफ करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब आपका बेटा आप पर नहीं गया। ये सब क्या उल्टा सीधा क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दोनों बाप बेटे की चाल है। तुम डटे रहना और इनकी हर हरकत पर नजर रखना। अरे मैं सुरमा बनकर ये आंखों में पड़ा रहूंगा और सालों को नजर भी नहीं आऊंगा। मगर एक बात बताओ, ये तुम्हारे और मोना के बीच में क्या प्रॉब्लम पैदा हो गई है? बताओ मुझसे क्या छुपाता है? ये भी इन दोनों की चाल है। क्यों, इसमें इनका क्या फायदा है? दरअसल रमेश सुमन का पति है। सुमन? सुमन जिंदा? हाँ, आइए बताता हूँ। 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, पूरे 5 लाख हैं। कल इसे बैंक में जमा करवाना है। सुनो, तुम वो जैकब इंजीनियरिंग के पेमेंट्स और रिसीट के स्टेटमेंट तैयार रखो, मुझे जाते वक्त लेके जाना है। चलो जल्दी करो। अरे ठहरिए ठहरिए बाबूजी, पपलू आप क्यों तकलीफ करते हैं? अपने श्रवण कुमार को भी तो मौका दीजिए। ठीक है, मुझे जरा जल्दी है, मैं जाता हूँ। खाना खा लिया? खा लिया। 5 लाख का पपलू। क्या बात है मैनेजर साहब, ये रुपए चुरा कर कहाँ लेके जा रहे हो? चुरा कर क्यों? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, माल सेफ में रखने का और निकालने का मुझे पूरा अधिकार है। रात के 12 बजे अकेले चोरों की? लेकिन ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? ठीक है, अगर आप चोर नहीं है तो ये रुपए लेकर अभी इसी वक्त आप बंगले पर चलिए। मैंने कहा ना, ये सब पूछने वाले तुम कौन होते हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो मैं बाद में देख लूंगा, पहले वो 5 लाख रुपए निकालो, वरना कंपनी के सेल से 5 लाख रुपए चुराने के इल्जाम में हवालात की हवा खाने के लिए तैयार हो जाओ। हवालात की हवा किसे खानी है ये जानने के लिए ये देख लो। बंद करो, ये किसने उतारा? किसी ने भी उतारा? उतार लिया? अब बोलो क्या इरादा है? मैं क्या बोलूंगा, अब तो तुम बोलोगे। 5 लाख हजम करने के बाद अब तुम उसे और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें एक नेक और शरीफ इंसान बनाना चाहता हूं। बस इतनी सी बात? तो समझ लो मैं 100% नेक और शरीफ आदमी बन गया। तो बताओ वह सुमन तुम्हारी कौन है? सुमन? कौन सुमन? वो मेरी धर्मपत्नी है। तो जाओ अभी और इसी वक्त सुमन को यहां लेकर आओ। हाँ ले आता हूं।
अभी जाकर शहर से उसे यहाँ ले आता हूँ। एक बात याद रखना, सुमन को पत्नी का दर्जा देकर मान सम्मान के साथ इस घर में रखोगे और ईमानदारी के साथ कंपनी की नौकरी करोगे, वरना। हाँ समझ गया, सब समझ गया। कितना समझ गया ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखूंगा। साला पप्पू नजर रखेगा। सुमन को तो लेकर आऊंगा, लेकिन उसके बाद ना सुमन रहेगी ना साला तू। हे भगवान, 5 लाख की चोरी, लेकिन ये किसका काम हो सकता है? मालकिन, 5 लाख सेफ में होने की बात बस हम तीनों को ही मालूम थी, इसलिए या तो चोर मैं हो सकता हूँ या लखपतिया या फिर अनिल भाव। अच्छा, तो फिर ये काम अनिल का ही हो सकता है? हो सकता है मालकिन। आपने उन्हें हटाकर गोपाल दास जी को उनकी कुर्सी पर बिठा दिया, इसलिए गोपाल दास जी को बदनाम करने के लिए अनिल बाबू ने पैसे उड़ा लिए। ये भी हो सकता है। गोपाल दास जी, आप फौरन पुलिस को खबर कीजिए और अनिल को गिरफ्तार करवाइए। नहीं मम्मी, इससे पूरे परिवार की बदनामी होगी और फिर डैडी से भी ये बात छुपाना बहुत मुश्किल होगा। उनकी हालत अभी अभी ठीक होती जा रही है, वो वापस इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बात तो तू सही कर रही है। जमाई क्या मिला, सारी जिंदगी का रोग लग गया। कितनी अच्छी साड़ी थी, सोचा था मैं अपने लिए भी ले लूं। ऐसी बातें करे मगर क्या भाई। अरे भाभी, मम्मी ने ठीक कहा था, छोटे लोगों की जात का कोई भरोसा नहीं होता। चोरी करते वक्त वो ये भी भूल जाते हैं कि जहाँ चोरी करते हैं वो घर गैरों का है या अपना। ये हार मेरा है। नेकलेस मिल गया। कहाँ से मिल गया? तुम्हारी बहन के गले में, और साथ में तुम्हारा बहनोई भी था। मैं नहीं मानता। तुम तो ये भी नहीं मानोगे कि तुमने खुद हमारी ऑफिस से 5 लाख रुपए चुराए। अगर मैं चाहती तो पुलिस में रिपोर्ट करके तुम सबको हवालात में बंद करवा सकती थी। अगर अपने खानदान की इज्जत का ख्याल आ गया। अच्छा किया। अगर तुम्हें रुपयों की इतनी जरूरत थी तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें दे देती। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मना। देखो मना, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद एक दूसरे के प्रति विश्वास पर होती है। उस विश्वास को विश्वासघात में तुमने बदला है। क्या मतलब? औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने पति को किसी दूसरी औरत के पहलू में कभी नहीं देख सकती। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, हकीकत है। तुम मेरा खाते हो, मेरा पीते हो, मेरे मकान में रहते हो, मेरी गाड़ी में घूमते हो और रात एक आवारा औरत के साथ गुजारते हो। ये झूठ है। ये झूठ नहीं, सच है। उस रात डांस के बाद मुझे होटल में अकेला छोड़कर तुम उसी डांसर से मिलने नहीं गए थे। फिर दूसरे दिन मेरे 50,000 रुपए लेकर उसी लड़की को देने शहर नहीं गए थे। सारी रात उसके घर गुजारने के बाद सुबह मैंने तुम्हें उसके घर से निकलते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। चुप क्यों हो? बोलो, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की के साथ? काश मैं बता सकता उसके साथ मेरा क्या रिश्ता है। मैं बताती हूँ, उस आवारा बच्चलन औरत के साथ तुम्हारा बिस्तर का रिश्ता है। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। मोना मेरी पत्नी है, इसीलिए सिर्फ तमाचा मारा है। किसी और ने ऐसी बेहुदा बात की होती तो सर काट के चौराहे पे फेंक देता। मोना, रमेश बेटा, अब इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। आपका हुक्म सर आंखों पर। अब देखिए मैं कैसा पप्पू चलाता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप जरा मोना को शांत कीजिए। जाइए जाइए जाइए। उठे, हट। मैं हूँ आपके पुराने वफादार खादिम गोपाल दास का बेटा रमेश,
आपकी कंपनी का जनरल मैनेजर भी मैं ही हूँ। मालकिन के हुक्म के मुताबिक गुंडों के जरिए मैं आपके दामाद को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ इधर, और उसके बाद भगवान की कृपा से आपकी बेटी मोना विधवा हो जाएगी और फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। और अगर वो मोना ना माने तो आपको और मालकिन को खत्म करने की धमकी देकर मैं उस बेचारी को मना लूंगा। इसको कहते हैं पपलू चलाना। ससुर जी, इमोशनल ब्लैकमेल। रमेश, ठीक है तुम क्या कहते? जी आपको मालूम नहीं, वो खुद मुझे यहाँ लेकर आए हैं। अच्छा अच्छा। बाबूजी, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मेरे भाई यही रहते हैं, वो घर में नहीं है, आपकी आ गया हो तो मैं अपने भाई को राखी बांध दूं। हाँ, जा जा जा। अच्छा बाबूजी। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि हार बेचने वाले का नाम पता चेहरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, 10 साल पहले अगर आपसे कोई 5 पैसा लेकर जाए ना, उसका नाम, उसका पता, उसके पूरे खानदान का एड्रेस याद रहता है आपको, और इतना कीमती हार कौन बेच के गया वो याद नहीं है आपको? अरे किसको थेली लगा रहे आप? अपनी बुद्धि पर थोड़ा जोर दीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। आपकी निर्दोष बेटी और दामाद पर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। वो मैं समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मगर समझी जी, आप चोरी का माल खरीदते क्यों हैं? ओहो, अगर मुझे ये पता होता कि ये चोरी का माल है तो मैं जानबूझकर ये सौदा करता ही क्यों? मामा जी, आपने इस हार का सौदा जानबूझकर नहीं किया, लेकिन मेरी बहन सुमन का सौदा तो आपने जानबूझकर किया था ना। अनिल, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मामा जी, जब मैं परिषद ने शहर गया था तो मामा जी ने आप लोगों को बताया बिना 20,000 रुपया लेकर सुमन की शादी जबरदस्ती किसी बुड्ढे के साथ तय कर दी थी। लेकिन सुमन अपनी जान छुड़ाकर भागी और नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली। बताइए मामा जी, ये सच है या झूठ? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ये सच है या झूठ? ये सच है। लेकिन बेटा, ये सब तुमको किसने बताया? सुमन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तो सुमन बहन जिंदा है? जी, आपके पिताजी ने तो मारने की पूरी कोशिश की थी, मगर भगवान ने बचा लिया। कहाँ है वो? वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। पिताजी, आप लालची और कंजूस थे ये तो पता था, लेकिन आप इतने बड़े, अरे आपको तो पिताजी कहने में मुझे शर्म आ रही है। मैंने ऐसा घिनौना पाप किया है कि मैं इस दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने पैसों को सिर्फ अपना समझा है, अपनों को अपना कभी नहीं समझा। कुछ ऐसे गंदे आदमी का डूबकर मर जाना ही अच्छा है। रुक जाइए मामा जी। छोड़ दो मुझे, मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामा जी, मैं छोड़ दो। मामा जी, अरे मैं लेकर आता हूँ। आइए ससुर जी, बाहर आ जाइए। ये क्या? ये पानी कहाँ गया? वो आप हर महीने की 1 तारीख को मुझे कुएं में फेंकने की धमकी देते थे ना, तो मैंने म्युनिसिपैलिटी वालों से कंप्लेंट की, उन्होंने कुआं भर दिया। बाहर आइए। अरे मामी जी, सब ठीक है। देखो, अरे कहाँ था तू? तुझे पता है कितना जोर तोड़ करके मैंने अनिल और मोना के बीच में दरार पैदा कर 5 लाख रुपए सिर से गायब हो गए। सारा इल्जाम मैंने अनिल पे लगाया ताकि वो जेल जाए, और तू है कि मोना के दिल पे कब्जा करने के बजाय उस भिखारी को उठा ला। बस करो ये भाषण, बस करो। वो 5 लाख रुपए मैंने चुराए थे। क्या? हाँ, और अनिल के पास इस बात का सबूत भी है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े मालकिन ने मुझे उसे रास्ते से साफ करने का हुक्म दे दिया है, और मैंने राजू दादा को उसे खत्म करने का पपलू, मेरा मतलब है कि सुपारी भी दे दी है। क्या? इससे अच्छा होता कि तू मुझे मौत दे देता। मेरे घर में मेरी नजरों के सामने ही इतना बड़ा अनर्थ हो रहा है, और मैं मजबूर सिर्फ देख रहा हूं। किसी को रोकने के लिए न कुछ कर सकता हूं, न कुछ कह सकता हूं, लेकिन अब ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। Thank you.
कौन हो तुम? किससे मिलना है? बेशर्म औरत, तेरी इतनी हिम्मत की तू यहाँ तक चली आई? लेकिन ये है कौन? ये वो औरत है जो होटलों में अपने जिस्म की गंदी नुमाइश करती है। ये आप क्या कह रही है? तू जैसी औरत को औरत कहना औरत जात का अपमान करने के बराबर है। बेशर्म नीच औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सच धज के उनसे मिलने यहाँ तक चली आई? देखिए, आप मेरी असलियत नहीं जानती। तेरी असलियत तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बेहया, तू वो जहरीली नागिन है जिसने मेरे पति को फंसा कर मेरी खुशियों को डस लिया है। कमीनी, भाभी। भाभी? हाँ भाभी, अनिल मेरा भाई है, सगा भाई, और तुम मेरी भाभी हो। भाई बहन के रिश्ते को इतनी गंदी गाली मत दो। तो फिर उन्होंने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इसलिए कि मैंने उन्हें कसम दी थी, क्योंकि मैं होटलों में नाचती थी, इसे भैया की इज्जत को दाग लग सकता था, उनका सर दुनिया के सामने झुक सकता था। और आज रक्षाबंधन है और मैं भैया को सिर्फ राखी बांधने आई थी। ये देखिए, मुझे माफ कर दो सुमन, गलतफहमी की वजह से मुझसे वो खिलौना पाप हो गया है जिसका इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं। मैंने भाई बहन के पवित्र संबंध को ऐसी गंदी नजर से देखा है कि मैं तुम दोनों से माफी मांगने के काबिल भी नहीं रही। मुझे माफ कर दो। नहीं भाभी। भैया, तू क्या काम है? हम जानते हैं भाभी कि आपको हमारे यहाँ आना एक नजर नहीं भाता, इसलिए हम लोगों ने आना ही बंद कर दिया। मगर आज अगर हम ना आते तो हमसे ज्यादा एहसान फरामोश और कोई नहीं होता। क्या मतलब है तुम्हारा? एक औरत के लिए उसका सुहाग ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मेरे पति बहुत सख्त बीमार थे, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। भैया ने इनके फेफड़ों के ऑपरेशन के लिए अपने दामाद अनिल के हाथों 50,000 रुपये भेजे और भगवान ने मेरा सुहाग बचा लिया। तो अनिल वो 50,000 रुपये आपके लिए ले गए थे? हाँ बेटी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हें अनिल जैसा पति मिला। वो इंसान के रूप में देवता है। हे भगवान, बात क्या थी और मैं शक की शिकार उन्हें क्या क्या कह बैठी। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अबे चल, अबे चल, तो दूंगा ही कभी। मनोवेन, यहाँ आइए, आइए आइए, सुनिए कहानी, देखिए कैसे खानदानी चोर पाल रखे हैं आपने। ए, वो हार किसने चुराया था? जी मैंने। फिर? मगर वो हार मुझसे गोपालदास जी ने ले लिया था। सुन लिया, उनके बाजू में कौन खड़ा था, नाम बोलो उसका। उनके बेटे रमेश बाबू। क्या सुमन बेटी, तो क्या वो यहाँ काम करते हैं? सुमन, शुक्र है बहन तुम मिल गई। लेकिन तुम रमेश को कैसे जानती हो? वो मेरे पति हैं। क्या? हाँ भाभी। चले चोर लखपतिया, आगे की कहानी सुना तो अपनी घटिया जमानी। गोपाल दास जी ने वो हार मुझे बेचने के लिए दिया जिसे मैंने साधुराम जी के यहाँ 20,000 रुपए बेच दिया और पैसे लाकर गोपाल दास जी को दे दिए। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि वो हार मैंने कहाँ से खरीदा है। लेकिन आज जब मैं प्यारे से मिलने के लिए आपके ऑफिस गया तो वहाँ मुझे ये कमबख्त चोर लखपति नजर आया और मैं इसे घसीटता हुआ यहाँ ले आया। लेकिन देखने में तो दोनों बाप बेटे भले लगते थे। भले? वो भले नहीं है, शैतान के कुत्ते के पिल्ले हैं। और खासकर वो रमेश साहब है ना, वो हरामी पने में अपने बाप के भी बाप हैं। आपके ऑफिस से 5,00,000 रुपए चुरा के वो भाग रहा था। अनिल धाम ने उसको पकड़ा, सारे पैसे छीन लिए वो इस बैग में, और साथ में वो वीडियो कैसेट भी है जिसमें उनकी चोरी की दास्तान छपी हुई है। उनकी हर बात सच्ची थी और मैंने तुम्हारी बातों में आकर उन्हें कितना गलत समझा। क्या क्या कह दिया उन्हें,
डैडी के दिल पर भी कितना गहरा सदमा पहुंचा है मैंने। उनकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। नहीं बेटी, तू नहीं, जिम्मेदार मैं हूँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। गोपाल दास ने दिन रात अनिल के खिलाफ मेरे कान भरे, मुझे उसके खिलाफ कर दिया। हे भगवान, मैंने सच्चे हीरे को कांच का टुकड़ा समझा। डैडी, क्या हुआ भैया को? क्या हुआ डैडी? अबे, अबू ने उन लोगों लेकर अनिल को खत्म करने के लिए। पप्लू, वो दिन याद कर जिस दिन तूने मुझे ब्लैकमेल करके सुमन को अपनाने के लिए मजबूर किया था। उस दिन तू शेर था, लेकिन आज मैं बबर शेर हूं। इसकी एक गोली चलेगी, तेरे बदन से खून बहेगा और फिर उस खून में मोना की मांग का सिंदूर रहेगा। उसके बाद मैं मोना की उजड़ी मांग में अपना सिंदूर भर दूंगा। हरामखोर, तू शादीशुदा है, सुमन तेरी पत्नी है। पपलू, पपलू, लगता है कि इसे सुमन के साथ बहुत प्यार है। एक काम करता हूँ, जहां मैं तेरे को भेज रहा हूँ ना, सुमन को भी वहीं भेज देता हूँ। तू उसकी मांग में अपना सिंदूर भर देना। सुमन मेरी बहन है। जान भी चली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बनाने की कोशिश करो और बाबूजी आप ठीक हो गए? हाँ बेटे, मैं ठीक हो गया हूं, लेकिन डॉक्टर की दवा से नहीं, सिर्फ तेरे प्यार के चमत्कार से। अनिल, रमेश बेटा,
आज तक मैं दौलत से प्यार करता रहा। प्यार मोहब्बत इंसानियत क्या चीज होती है, मैं इसको बेवकूफी समझता रहा। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरी ही जान बचाई। मुझको माफ कर दो। अरे नहीं, मुझको माफ कर दो, मुझको माफ कर दो। नहीं भाई, नहीं। मैं आप सबका गुनहगार हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन आप जा कर रहे हैं पुलिस स्टेशन, अपने आप को कानून के हवाले करने। तुम भी हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटे, तुम अकेले नहीं जाओगे। तुम्हें गुनाह का रास्ता दिखाने वाला शैतान मैं हूं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, कोई नहीं जाएगा पुलिस स्टेशन, कोई नहीं जाएगा। अनिल बेटा, बेटा तुमने मुझे से लोहे को भी सोना बना दिया। आपका क्या इरादा, अभी सोना बंद है कि हम लोग सोने के लिए कहीं और जाएं? अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा, अभी तो तुमने मेरे बहुत से उधार चुकाने हैं। अभी बाकी है? पहले मैं अपने नाती का मुंह देखूंगा, फिर अपने सब कुछ अपने नाती के नाम पर करूंगा, और जब मैं सब कुछ कर लूं तब मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। चलो घर चलो। घर? कौन सा घर, किसके घर? अपने घर। वाह, वो जेब खर्ची मिलेगी ना। You stupid idiot! आ गई ना असलियत पे। अपना बना के देखो।